भावु से स्वागतम 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 सुस्वागतम स्वागतम 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 सुस्वागतम। सुरता को हम आए अपने हृदय में स्थापे, दादू भाई की सुरता को हम आए अपने हृदय में स्थापे, पप्पा जी की एकात्मता में शरण भाव से हम व्यापे। साक्षात है जो बंधु बेलड़ी उसका ध्यान लगाए, स्वागतम 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 सुस्वागतम स्वागतम 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 सुस्वागतम। सुनृत का हम पाठ करें, भजन करें, सत्संग करें, सुनृत का हम पाठ करें, भजन करें, सत्संग करें, निरपेक्ष भाव से मित्र बने, एकता का सब में रंग भरे, गढ़थल करके मिलजुल के उत्सव आज मनाए, स्वागतम 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 सुस्वागतम स्वागतम 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 सुस्वागतम। सबका मंगल स्वागतम सुरद भाव से स्वागतम 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 सुस्वागतम स्वागतम 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 सुस्वागतम स्वागतम 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 सुस्वागतम। स्वागतम 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 सुस्वागतम स्वागतम स्वागतम
सबका मंगल स्वागतम भाव से स्वागतम 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 सुस्वागतम स्वागतम 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 सुस्वागतम सुरता को हम आए अपने हृदय में स्थापे दादू भाई की सुरता को हम आए अपने हृदय में स्थापे पप्पा जी की एकात्मता में शरण भाव से हम व्यापे साक्षात है जो बंधु बेलड़ी उसका ध्यान लगाए स्वागतम 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 सुस्वागतम स्वागतम 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 सुस्वागतम बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की गुरु हरि काका जी महाराज की सभी गुणातीत स्वरूपों की परम पूज्य भरत भाई 66 प्रागट्य महोत्सव की। मैं सबसे पहले पूज्य निरंजन भाई से प्रार्थना करूंगा महात्म्य दर्शन के लिए। पूज्य निरंजन भाई सजान स्वामी महाराज नि जय मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम नि जय सभी स्वरूपों की जय। सतपुरुष का बर्थडे हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन। हम तीन चीज़ें तो करते ही हैं, एक है उनको याद करके उनके गुणों का गान करना। एक्चुअली याद इज़ नॉट अ राइट वर्ड, इट्स मोर लाइक संभालना, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग कि हम आपके हैं उसके साथ। पर एनीवे, पहला पॉइंट है उनका गुणगान करना, दूसरा उनको कुछ गिफ्ट देना और तीसरा उनसे आशीर्वाद लेना। सो गुणगान का जब बात आती है तो आई थिंक ये मेरे नज़र से उनका सबसे बड़ा गुण तो हमारे ऊपर एक कृपा ही है, एंड दैट इज़ देयर एक्टिव इन्वेस्टमेंट इन अस। उनका जो किसी भी चीज़ से हमारे लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, एंड बीट मतलब छोटी मोटी चीज़ से बड़ी जैसे सुबह पूजा में आना या किसी पधरावनी जाना या आरती में पहुँचना, इवन व्हाट्सएप पे मैसेज करना, वो भी जैसे कुछ अगर दिमाग थोड़ा हिल गया है तो ऑल यू नीड इज़ वन नोटिफिकेशन दैट सेज न्यू मैसेज भरत अंकल एंड दैट्स इट। और वो सॉल्यूशन भी उसमें एकदम एक क्रिस्प सॉफ्ट सा रहेगा, डोंट वरी बी हैप्पी वी बिलोंग टू काका जी, मतलब आप चिंता मत करो खुश रहो हम काका जी के हैं, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर एनीबॉडी टू यू नो जस्ट बी फाइन।
और हमको अगर उनको गिफ्ट देना है तो वो भी इस उनके इन्वेस्टमेंट के मायने रख के देना है. एंड द बिगेस्ट वन वुड बी वॉट एवर कैन मेक देम फील कंटेंट विद द फैक्ट दैट वी आर विद देम. तो और वो तभी हो सकता है जब हम उनकी आज्ञा का पालन करें. राइट फ्रॉम श्री जी महाराज गुणातीतानंद स्वामी टू सभी सत्पुरुषों को एक यही है. जैसे श्री जी महाराज का भी आप देखो तो यही था, यू नो, शिक्षा पत्री लिख के सब बताया क्या करना है. बट द बिगेस्ट वन वॉज निजात्मानं ब्रह्मरूपम, और उसके अलावा दास का दास रह के रहो, उसके साथ साथ यू नो अभाव गुण में मत पढ़ो ऐसे. और तो जैसे भरत काका भी अभी शताब्दी महोत्सव के लिए उन्होंने ये सूत्र दिया कि तीन सूत्र दिए थे, वो जो वाणी में मिठास, गुणग्राह दृष्टि और स्मित अवकार. तो आई थिंक जब भी बंधु बेरेडी शताब्दी महोत्सव की जय ऐसे बोले जाते हैं तो इट इज़ टाइम फॉर अस आई थिंक टू इंट्रोस्पेक्ट, तो देखना कि क्या वो सूत्र जो इस शताब्दी महोत्सव के लिए हमको दिए गए हैं क्या हम उसका पालन करके आगे बढ़ रहे हैं, हम कितने भरत काकामय हुए हैं, हम कितने काकाजीमय हुए हैं, हम कितने स्वरूपमय हुए हैं. आई थिंक दैट इज़ एन एसेंशियल पार्ट. और वो माई का हलवा नहीं है, राइट? तो उसके लिए, एंड दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ व्हाट वन वुड से, उसके लिए उनका आशीर्वाद लेना. और यू नो एन आशीर्वाद इन द सेंस ऑफ उनका बल लेना. तो एक कुछ महीने पहले यहाँ अपने मंदिर में जो सूत्र लिखे जाते हैं उसी में जो मुझे याद है उसमें एक साथ ही तीन दिए गए थे, एंड वही तीन मैं यहाँ दोहराऊँगा. उसमें पहला लिखा था आपके स्वरूप की यथार्थ ओढ़खाण कराना. आई थिंक दिस इज़ इन्फाइनाइट एंड इट इज़ एट अनदर लेवल. क्योंकि जब तक हम हमारे दिमाग से, हमारे अंतकरण से, हमारे हिसाब से सब कुछ अगर उनका समझने की कोशिश, हम उनका द्रोह ही कर रहे हैं. तो वो आपको तो कराना है. दूसरा है, उसी में था कि आप अखंड राजी रहे ऐसा जीवन बख्शीश देना. वो भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और वो उनको बख्शीश ही देना पड़ेगा. क्योंकि उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमको, इतने सारे तरीके हैं जिनसे हमको जीना है, कि वो उनके आशीर्वाद के बिना नहीं होता है. और ये भी मांगना ही है, सम सूरत भाव एकता रखो भाई, हटमान शर छोड़ो, अपने अंदर के जो गुण हैं अवगुण हैं उनको समझ के जो चीज़ों को त्याग करना चाहिए वो करो. ये सारे उनके बड़े के सिवा तो नहीं होता. और तीसरा कि आप हमने हमारे यू नो जीव के साथ काफ़ी सारे ऐसे गंदगी एसोसिएट किए हुए हैं, और वो काटने के लिए ये ज़रूरी है कि वो हमारे जीवन में प्रसंग रखें. एंड वो प्रसंग रखते हैं, राइट? और यहाँ मैं आई थिंक थोड़ा सेल्फिश एंड थोड़ा बेशरम भी हो जाता हूँ, और मैं जानता हूँ कि हमारे अंदर तो बहुत सारी, मतलब एक्चुअली मेरे अंदर तो बहुत सारी पोल है. एंड तो वो मैं भी जानता हूँ, वो सत्पुरुष भी जानते हैं, तो थोड़े थोड़े में निकलवा देना. और बस साथ रहना, राजी रहना, सद्बुद्धि देना, भूल चुकना माफ़ करना, अखंड अंतर मेरे कर रक्षा करना, सहज बनाना, दास ना दास बनाना. सजान सुमहाराज जय. बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन भाई. जैसे कि हम जानते हैं कि आज की सभा में परम पूज्य भरत भाई के प्रागट्य दिन पे देश विदेश से भक्तों आए हैं. ऐसे ही औरंगाबाद से भी अराउंड 50-55 भक्तों आए हैं. तो मैं उनके जो वहाँ के जो लीडर है परम भक्त नरेश भाई, उनसे प्रार्थना करूँगा महात्म्य दर्शन के लिए. परम भक्त नरेश भाई वो हमें करेक्ट नंबर भी बता देंगे. नरेश भाई. सहजानंद स्वामी महाराज की जय. जैसे हमारे प्रसाद भाई ने बोला कि करेक्ट नंबर बोलना, तो आपकी आज्ञा से अराउंड 150 भक्तों औरंगाबाद से यहाँ पे पधारे हैं. और एक बात बताता है कि पिछला पूरा महीना इतना बिजी गया है, फिर भी सबको इतनी उमंग थी
कि नहीं हमको तो कुछ भी करके ये समैया में आना है, तो संतों ने उनके हृदय में वो क्या ऐसा अनुभव दिया होगा, भरत भाई ने, दिनकर भाई ने, वशी भाई ने, बापू, सभी संतों ने, कि उनको बार बार यहाँ पे आने का मन होता है। आज भरत भाई का प्रागट्य दिन, मुझे अभी लास्ट मोमेंट व्हाट्सअप आया कि आप 5-10 मिनट में ही पूरा करना, तो मन में ऐसा विचार आया कि जिनका महिमा इतना है कि जिसे हम कोई सीमा नहीं है, अनंत हम जिसे कहते हैं, वो महिमा हमें गाना है, वो 5-10 मिनट में गाना है, और ऊपर से मैं एक लेक्चरर हूँ तो और भी मुश्किल। लेकिन दूसरा एक विचार दिनकर भाई की तब याद आई, दिनकर भाई और आदित्य की कुछ बात चल रही थी गैलेक्सी के बारे में वगैरह वगैरह, तो बहुत बड़ी है, तो इनका कहना था कि हम पूरी ज़िंदगी भी ट्रैवल करें तो हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, हमारी अपनी गैलेक्सी से बाहर नहीं जा सकते, तो बाकी तो अनंत गैलेक्सी है, लेकिन फिर भी हम कितना जानते हैं, तो कुछ भी नहीं जानते, ऐसा दिनकर भाई कह रहे थे। तो उस पे से एक विचार आया कि इनका इतना अनंत महिमा है, लेकिन हमने समझा कितना है। जैसे मन में आया कि 5-10 मिनट में कैसे बोले, लेकिन हमारी अपनी बुद्धि से हम कितना समझे, इनको कुछ समझ नहीं पाए, इतना हो अनंत महिमा। आज सच में बहुत अनुभव भरत भाई ने हमको दिए, और उन अनुभव के आधार से ही सच बोलता हूँ, हम जो भी आज सुख शांति आनंद बड़े लाइफ में ऊंच नीच ऐसा सब प्रसंग चलते ही रहते हैं, बहुत कठिन प्रसंग भी आते हैं, लेकिन उसके अंदर भी हमारे अंतर की शांति आनंद कहीं जाता नहीं है। ये उन्होंने जो अनुभव और उन्होंने जो आशीर्वाद दिए उसी का परिणाम है। उन्होंने हम सबको ये अनुभव कराया है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि एकदम ऐसा अनुभव कि जो हमारे बुद्धि के पर हो, हम तो संकल्प भी करते हैं। एक बार तो मैंने जो बताया था कि छपैया में मैंने संकल्प किया कि मन में ऊपर नीचे भाव होते रहता है, तो मैंने संकल्प किया कि सच में भरत भाई आप अगर प्रभु के स्वरूप हो तो मेरे सर पे हाथ रखना और अभी रखना। तो वो टाइम भरत भाई सबको वो छपैया की जो मिट्टी है वो उसका पूजा एयर कर रहे थे, तो सबको यहाँ पे लगाया और मुझे पूरा दोनों हाथ यहाँ पे रख दिया। तो अपने संकल्प अलग अलग अनुभव भी कराते हैं। जब भी हम कोई क्वेश्चन करें तो उसका जवाब मन ही में हम क्वेश्चन करते हैं, हमें कोई सामने जाके बात करना भी नहीं पड़ता है, लेकिन उसका जवाब उनका तुरंत उनके प्रवचन में हमको तुरंत मिल जाता है। उनके ऐसे अलग अलग अंतर्यामी बना के उनके आशीर्वाद दिया, उसके वो सारे अनुभव हमको है। इतने सारे अनुभव होने के बाद भी होता यूँ है कि हम फिर भी बार 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 उनसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमें और अनुभव दो, और अनुभव दो। ये हमारे अंदर में कुछ ऐसी कमी है। मैं एक बार सोच रहा था कि काका जी को कोई भी अनुभव शास्त्री जी महाराज ने एक ही बार कराया, उसके बाद वापस उनको वो थॉट ही नहीं आया कि दिखा दिया अंतर्यामी, हाँ तो डन अंतर्यामी है, बाद में वापस कभी विचार आया नहीं, वो समर्थ है तो डन, वो ऐसे है। तो ये सब ऐसा एक ही इसमें हुआ, लेकिन हमारे जीव की दशा कैसा है कि हम बार बार फिर भी उनको, क्योंकि ये कक्षा ही अलग है, बहुत अलग है। ये संतों जो हमको मिले हैं सच में पूरा अलग कक्षा की बात वो कर रहे हैं, और हमें समझ में भी नहीं आ रहा है। हमारे रवि भाई मैथ्स के टीचर है, परसों एक प्रसंग हुआ, उनके पास एक नया स्टूडेंट आया जिसको कुछ भी नहीं आता है, कुछ यानी कुछ भी नहीं आता है, और उसको 39 मार्क्स गिरे, और जो 12-12 घंटा पढ़ता है उसको 12 मार्क्स गिरे। तो वो 12 मार्क्स जिसको गिरे वो तो देखता है उसके पिताजी कि मेरा बच्चा इतना पढ़ता है और ये कुछ भी नहीं करता है, तो रवि सर के पास झगड़ा करने आ गए कि मेरा बच्चा 12 घंटा पढ़ के भी 12 मार्क्स लेता है और वो कुछ भी नहीं करता है, कुछ आता भी नहीं, उसको 39 कैसे गिरे। तो वो रवि सर ने बोला कि भाई वो ऑब्जेक्टिव है, उसने तुक्के लगाए तो उसके तुक्के लग गए, तो बोलते ऐसा कैसा चलेगा वगैरह वगैरह, उसने बहुत कुछ बोला कि ये तो गलत है। तो रवि सर बोले गलत है,
लेकिन लॉन्ग टर्म में ये टिकने वाला नहीं है, लंबी रेस में ये चलने वाला नहीं है। आपको असलियत में जो ओरिजिनल है वही लेना पड़ेगा। वही कुछ ऐसा विचार आता है कि हम लोगों का भी ऐसा है हाल, आप कुछ और देना चाह रहे हो, आपकी कक्षा अलग है, हमारी कक्षा अलग है। हम महिमा कब समझते हैं? जब आप हमारा काम करो। हमने धुन किया, गाड़ी मिल गई, वाह वाह भगवान बड़े हैं, और आप तब खुश होते हो जब गाड़ी निकल जाए। ये थोड़ा विरोधी है। हमारा बार बार यही हो रहा है कि वो कक्षा हम समझे, हमें बार बार ये पक्का ख्याल हो कि हमें क्या मांगना है। हमें प्राइम मिनिस्टर के पास ये नहीं बोलना है कि आज मेरा पानी नहीं आया, आज मेरा रोड साफ करने वाला, झाड़ू मारने वाला नहीं आया। वही हमारी हालत है, जो बार बार भरत भाई वशी भाई हमको एग्जाम्पल भी देते कि आप प्राइम मिनिस्टर के पास क्या मांग रहे हो। तो वैसा ही इतने बड़े प्रभु, इतने महान संतों हमको मिले हैं, सभी संतों इतने महान हैं, तो इनके पास हमें क्या मांगना चाहिए, उसकी सच में समझ। आज भरत भाई का प्रागट्य दिन है, तो उसमें हमें ये पक्का अपने लिए संकल्प करना है कि अनुभव तो बहुत हुए, और जैसा दिनकर भाई ने और वो गैलेक्सी की बात कर रहा था, वो हम पहुंच नहीं सकते, गैलेक्सी के बाहर नहीं पहुंच सकते, फिर भी वो कैलकुलेट करके बोलते हैं कि भाई हाँ ये गैलेक्सी इतनी डिस्टेंस पे है, इतना है, उतना है। तो हर बार हमको उनसे अनुभव की अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए, हमें सिर्फ अपने विचारों से वो समझना चाहिए कि क्या है। वो थोड़े से अनुभव में हम समझ पाए प्रभु कि आप क्या हो। भले हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन वो साइंटिस्ट भी तो कहाँ पहुँच रहे हैं दूसरे गैलेक्सी में, फिर भी गेस करके बुद्धि से ये तो कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये ऐसा ऐसा है, ऐसा ऑथेंटिकली बोलते। तो वैसा ही आप जितने भी अनुभव हमको दे रहे हैं, जो भी आप हमको कराना चाह रहे हो, वो हम समझे। और ये खास सबसे अच्छा ये स्वामीनारायण में क्या है कि हमको करना कुछ नहीं है। आज अभी मेरे ख्याल से 20 साल हम हो गए कि हम सत्संग में हैं, और तब से देख रहे हैं अपना कोई कैपेसिटी नहीं है। जैसे बोला कि कक्षा ही अलग है, हमारा वो लेवल ही नहीं है, हम पहुंच ही नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी वो सब कुछ हमसे करा ले रहे हो। इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल लगता था कि भाई हमसे ये नहीं होने वाला है, वो उनके पावर से, उनके आशीर्वाद से, उनके बल से वो सब हमसे करा ले रहे हैं। तो प्रभु आज एक खास प्रार्थना जो मैंने औरंगाबाद में भी आपके पास, सबके पास मैं करना चाहता हूँ, आज सब संतो यहाँ पे है, तो ना वो हमें समझ में आने वाला है क्योंकि वो लेवल ही अलग है। हमारे लिए तो सब हमारा भौतिक काम हो तो आप बहुत अच्छे, और नहीं हो तो कहे के भगवान, ऐसी हमारी हालत है। और आपको तो कराना है, हमारे जीव का कराना है, लेकिन फिर भी दयालु दया करके आप हमें सहजे सहजे आप ले ही जा रहे हो, और भी सहजता से हम आगे बढ़े। और उसमें जो प्रार्थना की थी कि हम लोग, जैसे निरंजन भाई ने बोला कि हम स्वार्थी है, तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम सच में स्वार्थी बने, और बहुत अच्छे स्वार्थी बने। पक्का हमारा स्वार्थ ये हो कि हमें अक्षरधाम में जाने का है, वो स्वार्थ हमारा कभी छूटे नहीं, हमको आपको राजी करने का, वही हमारे जीवन का पक्का स्वार्थ बने, वही आपके चरणों में प्रार्थना। तो दयालु दया करके जरूर से, आज गुरुजी भी है, दिनकर भाई है, भरत भाई है, दास स्वामी है, गुरु दूसरे गुरुजी है, वशी भाई, बापू, सभी संतो, इलेश भाई, सब संतो यहाँ पे है। तो आप सब के चरणों में हम सब की ओर से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो भी है, जैसे भी है, लेकिन आपके है तो संभाल लेना। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य नरेश भाई। जैसे कि हमने सुबह की सेशन में देखा, सुबह के सेशन में वचनामृत द्विशताब्दी महोत्सव थी, उसके ऊपर चार ऑलमोस्ट 6 वक्ताओं ने बहुत ही सुंदर तरीके से वचनामृत का जो अध्ययन किया, उसके ऊपर जो एनालिसिस की, और हर एक वक्ता ने अपना खुद का प्रेजेंटेशन पेश किया, खुद का प्रेजेंटेशन हमारे सामने रखा। और परम पूज्य भरत भाई, दिनकर भाई, बापू, वशी भाई, दास स्वामी जी, प्रवीण भाई, इन सभी ने जो एनालिसिस किया था, इन सभी ने जो हमें वचनामृत का जो सार बताया था कि आप गुणातीत संत का गुणातीत संत है, वो एक वचनामृत का एक तरीके से रहस्य है। और ऐसे संत का आज हम प्रागट्य दिन बना रहे हैं, तो ऐसे ही परम पूज्य भरत भाई को
प्रार्थना है कि आप जैसा चाहते हैं, काका जी जैसा चाहते हैं, वैसे सिद्धांतों के ऊपर हम चलते रहे। आगे हम परम भक्त दीपक भाई जागीरदार से प्रार्थना करेंगे महात्म्य दर्शन के लिए। परम भक्त दीपक भाई। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय। सभी गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। परम पूज्य भरत भाई 66 बर्थडे सेलिब्रेशन की, दिनकर भाई बापू 75 बर्थडे की। पहले तो मैं प्रसाद भाई से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं व्हाट्सएप का इतना फ्रिक्वेंट वो नहीं हूँ। मैसेज तो कल ही भेजा था, मैंने देखा नहीं, आई एम सॉरी। लेकिन आज फ़ोन आया कि आपको 10 के बदले 5 मिनट बोलता है, मतलब 10 मिनट कब बोला था, तो फिर देखा तो कल का है वो मैसेज, तो सॉरी उसके लिए। भरत भाई के बर्थडे पे बात करने का एक्चुअली बहुत सालों बाद मेरे को मौका मिला, ऐसे लगता है मेरे को भरत भाई, क्योंकि एक टाइम था कि सिर्फ हम ही थे इधर, जलवायु विहार और यही था, तो हर बर्थडे में मौका मिलता था। लेकिन आज मिला है 5 मिनट, तो 5 मिनट में तो यू ऑल्सो नो, अभी नरेश भाई ने बोला 5 मिनट में कुछ कह नहीं सकते। मैं इतना ही बोलता हूँ कि हम जितना उनके लिए करते हैं उससे अनंत गुना वो हमारे लिए करते हैं। एक छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी ये अपना पवे में जो गार्डन हुआ, धन्यवाद हमारे वशी भाई को, औरंगाबाद में गार्डन हुआ, वहाँ पवई का ही फील आ गया जब भजन संध्या किया तो वो दिल्ली के गुरुजी से आइडिया आया, और ऐसे ही वो नगर सेवक आया, वशी भाई ने खाली बात किया तो उसने बोला आप लेटर दे दो योगी डिवाइन सोसाइटी से, मैं अप्रूव करा लूँगा। वशी भाई का काम एकदम इतना फास्ट है, उन्होंने इधर मनन को फ़ोन किया, लेटर हेड मंगाया, मैटर लिखवाया, टाइप करके वहाँ साइन करके तुरंत दे दिया। और वो नगर सेवक को भी धन्यवाद, उसको भी काका जी ने प्रेरणा दी, तो वो भी काम करके उसने विद इन 15 डेज वो लेटर दे दिया, अभी नाउ बॉल इज इन आवर कोर्ट। उसके बाद फिर वशी भाई का संकल्प, तो वशी भाई का अपने को सिर्फ हाथ पाँव हिलाने हैं, तो 4 महीने के अंदर इतना सुंदर गार्डन हो गया है कि जो आजू बाजू वाले सोसाइटी वाले अगेंस्ट थे हमारे, वो भी आके तारीफ करने में लगे और बोले कुछ हेल्प चाहिए तो हमको बताना, हम ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। तो ये ऐसे जो नहीं मानने वाले, हेट कर उनमें चेंज कराने वाले, ऐसे हमको गुरु मिले हैं। भरत भाई का तो क्या कहना, भरत भाई ने जो हम आपके सामने खड़े हैं, और ये सेवा भी कर पा रहे हैं, वो सिर्फ उनकी कृपा है। और ये जो जोड़ी नंबर वन है, भरत भाई और वशी भाई, उनके सामने मैं कितना भी नतमस्तक हूँ तो भी उनके ऋण चुका नहीं सकता। हे काका तारा ऋण न जा विचारूँ करूँ, ऐसे में हे भरत भाई वशी भाई, आपके ऋण का तो हम कभी चुका ही नहीं सकते हैं, आपको धन्यवाद है। भले हम कुछ कैसे भी हो जैसे भी हो, आपने अपना लिया और हमारे अक्षरधाम की यात्रा एक एक स्टेप समझे ना समझे आगे आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। हम नहीं, अभी औरंगाबाद में दिनकर भाई जब भी आते हैं कम से कम 7 दिन का प्रोग्राम औरंगाबाद बनाते हैं। औरंगाबाद में जब इनॉग्रेशन हुआ, भरत भाई ने एक छोटी सी स्टोरी सुनाई थी, सबको याद है क्या नहीं मालूम है। 2 ऊंचे वाले बिल्डिंग में वो दोरखंड लेके एक आदमी एक रस्सी पे चल के जाता है, उसके कंधे पे उसका बच्चा है, और वो क्रॉस करता है तो सब लोग नीचे से देख रहे हैं अभी कुछ होगा नहीं होगा क्या होगा। जब क्रॉस करता है तो आदमी पूछता है, आपको कॉन्फिडेंस है मैं अभी इधर से दूसरी तरफ भी जा सकता हूँ? तो सब बोलते हैं हाँ जा सकते हैं हम। तो सच में कॉन्फिडेंस है? तो बोलते हैं हाँ, अभी बच्चे को लेके, खुद के बच्चे को लेके आए तो जा ही सकता है। तो आप में से कितने लोग मेरे कंधे पे बैठ सकते हैं बोलो? तो सिर्फ दिनकर भाई और कुछ भक्तों ने औरंगाबाद के हाथ ऊपर किए थे। पहले दिनकर भाई ने किया, फिर सबको हमको जोश आ गया ना, फिर हमने भी अपने हाथ ऊपर कर दिया। तो हमको भगवान का महात्म्य पता है, सब कुछ पता है, लेकिन हम टोटली उस पर छोड़ते नहीं, फिर भी हमको डर लगता है।
नहीं भाई, वो तो उसका बेटा था इसलिए वो केयरफुली चला होगा, हमको लेके चलेगा क्या नहीं। लेकिन ये ऐसे संत हमको मिले हैं जो सच में हमारा बेड़ा पार लगाने वाले हैं, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से। वो जो करते हैं खाली हाथ जोड़ने का और जो कहते हो करने का, भले मन आड़ा आएगा, बुद्धि आड़ी आएगी, हम तो वही वो होके वही वो दरबार है। बोला ना, एक बैल चोरी हो गया तो चार बैल, सुबह आया था ना, चार बैल चोरी करके खेती का काम रुकाने, ऐसे हम लोग हैं। फिर भी कराने वाले वो है, हम उनके साथ ओपन हो जाए। और एक एग्जांपल ऐसे ही बताता हूँ क्योंकि वो हमारे लिए कितना करते हैं। अभी ये गार्डन का एक जो है इनॉग्रेशन, दैट वाज केप्ट ऑन 18th ऑफ द मंथ जनवरी। उसी दिन इधर बम्बई में हमारे साले के बेटे की शादी इधर, तो अभी पहले प्रोग्राम फिक्स नहीं था, पहले तो दिनकर भाई फेब्रुवरी में आने वाले थे, तो फेब्रुवरी में प्रोग्राम था। फिर 18 जनवरी हो गया तो मैंने खाली भरत भाई को बोला कि 18 को इधर शादी है, आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। हमारे लिए भरत भाई ने बोला 19 चलेगा आपको, 18 को शादी है, 19 को आप आ सकेंगे। मैं बोला आ सकूंगा, और प्रोग्राम अपना 18 से 19 को चेंज हो गया। तो कैन यू बिलीव ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे। तो सचमुच हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। अनुभव तो हम सबको है, ये व्यवहारिक अनुभव ये वो तो हमको बहुत आनंद आनंद, वो बैठेंगे तो भी रात भी नहीं पूरेगा। लेकिन ये जो अंदर का सुख शांति आनंद का जो अनुभव है, वो सब के हृदय में परमानेंट हो जाए, सब हम ऐसे सीखे। दिनकर भाई जैसे भरत बहन पहले बोला देने में सुख है, दादू काका दोनों हाथ से देने वाला है। तो दिनकर भाई का अभी आए थे तो उधर टेरेस पे हम पतंग उड़ा रहे थे अपना, नागेश भाई के टेरेस पे, तो इतने में दूसरे किसी ने पतंग चढ़ाया होगा उसका, हमारा तो सादा धागा था, उसने मांजा वांजा लगा के तीनों चारों पतंग काट दिया। हमारा चढ़ते ही वो आता था चढ़ा के, अपना काट के जाता था। तो उनके और हम तो जिसका कटता था ना, अभी आदित्य हो गए ये बच्चे बच्चे, अरे अपना पतंग कट गया, अपना पतंग कट गया। तो दिनकर भाई ने क्या बोला, अपना पतंग कटता है ना खुश होना चाहिए, क्योंकि वो किसी और को मिलेगा वो कितना खुश होगा, और उसके साथ धागा मिलेगा तो कितना खुश होगा। तो लास्ट में दिनकर भाई ने पूरा चक्री पूरा खाली कर दिया और वो पतंग हवा में छोड़ दिया। खाली बोलते नहीं हैं ये लोग, करके दिखाते हैं। तो इनकी छोटी छोटी बात को इम्पोर्टेंस समझ के हम अपने ध्यान में लें। आई थिंक मेरा टाइम इज़ ओवर, तो मैं धन्यवाद देता हूँ भरत भाई, आपके ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। साथ रहना, राजी रहना, सुखे सुखे सबका करा देना। जय सो आशीष परमपूज्य हर्षद भाई, अनुपम मिशन, आशीष परमपूज्य हर्षद भाई। सजान साई महाराज की जय, गुणातीत स्वरूपोनी जय जय जय। मेरी तो बोलती बंद रह गई। ये लोगों ने जो बताया वो सुनता ही रहा मैं। इनसे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि भरत भाई, दिनकर भाई, बापू, बशी भाई, इन्होंने काका जी का सेवन किया है, और जिसका सेवन करते हो उसके गुण आने चाहिए। तो इन लोगों में काका जी के गुण आ गए। मेरे को एक प्रसंग याद आता है, जब भगत जी महाराज की बोलबाला हुई तो कई लोगों ने गुणातीतानंद स्वामी जी को बोला कि आपने ये भगत जी महाराज को बहुत दे दिया है, वो भगवान होके पूजाता है सब जगह पे। तो गुणातीतानंद स्वामी ने बोले कि दिया नहीं, दे दिया गया है, मेरे हाथ छुटी बला है ये, ये ऐश्वर्य और प्रताप दे दिया गया है, मैंने दिया नहीं है। तो काका जी का जो सेवन किया इन लोगों ने, तो काका जी का पूरा ऐश्वर्य प्रताप
बापा की तरफ की भक्ति, भक्तों के प्रति प्रेम भाव, महिमा, वो सब इन लोगों में आया है। और हमने ये सुना, सबकी बात सुनी, तो ये हमारे ये जन्म का नहीं है, हम कई जन्मों से उनके साथ आते होंगे, तभी तो उनकी दृष्टि पड़ी। नया आदर नहीं है, लेकिन योगी जी महाराज ने बोला था एक दफे यहाँ पे बोरीवली स्टेशन पे ही कि भक्त लोग आते हैं और स्वरूप के साथ ले आते हैं तो उनकी जीनी जीनी कसर, छोटी छोटी कसर भी निकाल देते हैं, उसके लिए वो साथ में ले आते हैं। तब मेरे को साहब जी की एक बात याद आती है, साहब जी ने एक दफ़े बोला था सभा में कि अगर योगी जी महाराज और शास्त्री जी महाराज सदैव हाजिर होते तो बहुत खुश हो जाते ये समाज देखकर, कितना महिमा सबर ये समाज है, भक्तों का कितना महिमा समझता है, तो स्वरूप की बात क्या होगी। अभी अभी बोला ना कि ये तो पर के पर है, तो ये महिमा जो दृष्टि है, काका जी ने भी ऊपर सूत्र में वही लिखा है कि प्रेम से रहो और महिमा समझो। हम भक्तों में अंदरों अंदर प्रेम से रहें तभी इनको तकलीफ ओछी होती है, कम होती है। अगर भक्त लोग में कहीं गड़बड़ होती है तो इन लोगों को तकलीफ पड़ती है। अगर हम दिल से चाहते हैं उनको राजी करने के लिए भावना है तो उनके आदेश का पालन करें, प्रेम से रहें, महिमा समझ के रहे। ये बोलने में ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। महिमा समझना, घर के आदमी का महिमा समझेंगे तो पता चलेगा, बच्चों का महिमा समझे तो पता चलेगा, पड़ोसी की बात तो अलग रही। शास्त्री जी महाराज के एक वचन पर ये दो कुटुंब ने एक होके जीवन जिया तो प्रसंग नहीं बने होंगे। दृष्टि केवल शास्त्री जी महाराज की ओर थी, इसलिए प्रसंग प्रसंग नहीं रहे, क्योंकि शास्त्री महाराज राजी होते हैं एक होने से। उन्होंने बोला है एक होके तुम जीवन जीना, जगत तुम्हारे पांव में पड़ेगा। तो यही करना है हमको, प्रार्थना आज यही करनी है कि हमारी दृष्टि आपकी ओर रहे, दिल में एक भावना रहे कि आपको राजी करना है। कैसे करना है वो सबके लिए अलग अलग होगा। इन्होंने सूत्र तो दिया है, प्रेम से रहो, महिमा समझ के रहो। वो सूत्र के अधीन अगर कोई कभी कुछ होता है तो दृष्टि इनकी ओर करना कि भरत भाई को अच्छा लगेगा, दिनकर भाई को अच्छा लगेगा, बापू को ये अच्छा लगेगा। नहीं लगता है तो मत करो। ऐसी शक्ति हमको इसके लिए प्रार्थना करना है। तो हम ये जैसे काका जी का सेवन करके उनके गुण प्राप्त करें, उन लोगों ने, उन लोगों का जो गुण है वो हम में आएगा, तभी आएगा। तो यही प्रार्थना है कि आपकी ओर हमारी दृष्टि रहे और कोई भी प्रसंग बने जीवन में तो हम आपको याद करें कि आपको अच्छा लगेगा, आपको पसंद आएगा। आपकी तरफ दृष्टि रहेगी तो प्रसंग प्रसंग नहीं रहेगा, वो निकल जाएगा।
और हम जीत जाएंगे। ऐसी जीत पाते पाते ही वो लोग एक दफ़े बोलेंगे कि ले तेरा धाबड़ा, बा कहती थी ना सोना बा, ले तेरा धाबड़ा। हम प्रार्थना करते ही रहेंगे, एक दफ़े बोल जाएंगे तथास्तु, ये तुमको सिद्ध हो जाओ। वही तो करना है। तो आज दिल से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जो गुण है, आपने काका जी का जो सेवन किया और गुण प्राप्त करें, ऐसा ही हम आपका सेवन करें। चाहे जीवन में कोई भी तकलीफ हो, कोई भी प्रसंग बने, सब में दृष्टि केवल आपकी ओर रहे और आपका दिल का राजी का अंतर की प्रसन्नता प्राप्त करे, ऐसा हम सबको आशीर्वाद दे, ऐसी प्रार्थना सहजानंद स्वामी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य हर्षद भाई। हम सभा को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य वशी भाई से प्रार्थना करेंगे आशीष के लिए। परम पूज्य वशी भाई। जन्म्या कौशल देश वेश बटनो लय तीर्थ माही फर्या, रामानंद मल्या स्वधर्म चल व्यो यज्ञादि मोटा करा, मोटा दाम रचा रया गढ़ पुरे बे देश गादी करी, अंतर ध्यान थया नति हरि तमे गुणा तिते छो प्रगट, जेनी अमृत वाणी दो वैरई साक्षात महिमा रूपे, जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे सुंभव्य अक्षर पदे, शरणागत निज अल्प जीव सौनाश्रेयार्त तत्पर रहे, काका स्नेहल सिंधु दिव्य विगुने हयो तो वंदन करे। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज जय, शास्त्री जी महाराज जय, योगी जी महाराज जय, काका जी महाराज जय, पप्पा जी महाराज जय, हरि प्रसाद स्वामी महाराज जय, अक्षर बिहारी स्वामी महाराज जय, प्रमोख स्वामी महान स्वामी जसभाई साहेब गुरुजी दिनकर भाई सर्वे स्वरूपोनी जय जय। सबसे पहले तो आप सबको खूब खूब धन्यवाद, बिकॉज जनवरी महीना पूरा समैया का महीना था, स्वामी जी का समैया, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 7, 8, 9, 10 साहब जी का समैया, 18, 19 औरंगाबाद का समैया, 13, 14 नडियाद का पाटोत्सव और लास्ट में ये समैया। तो ये समैया के बीच खास करके गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी नादुरुस्त तबीयत में, उनकी उम्र है 83, फिर भी जनवरी महीने में 4 times ही ट्रैवल्ड, एंड व्हेन ही ट्रैवल्स विद पीपल, तो सब का अरेंज करके करना, और गुजरात के दौरे पे जाते हैं तो गुरु जी को सर्दी वगैरह भी हो जाता है, बट फिर भी एट दिस एज देह को देखे बिना जो भक्तों के लिए, कल तो दिनकर भाई और बापू उनके साथ थे, तो एक भगत के मैरिज में गए रात को 11, 11:30 बजे, 12 बजे वहाँ से निकले, फिर वो अक्षर ज्योति में गए, और दास स्वामी बोलते हैं कि गुरुजी कहीं नव ना करे तो गुरुजी नहीं, रात को 11:30 बजे अक्षर ज्योति में गए और वहाँ पराठा का प्रोग्राम करा, पूड़ा का, चिल्ला का, और वो आते आते रात को 2:30 बजे आए, एंड नेक्स्ट डे टू दिस टूडे दे आर ट्रैवलिंग, फ्लाइट एज यूजुअल थोड़ा लेट, मासा के वहाँ जाके वापिस सोए भी नहीं, वापिस इधर आ गया। तो खूब खूब धन्यवाद और खूब खूब गुरुजी आप हमें सिखाते हैं, आज भरत भाई का प्रागट्य दिन है तो आप सब स्वरूप हो कि आप सिखाते हैं कि एट एनी कॉस्ट भक्तों के साथ सूरत भाव रखो। ऐसे ही दास स्वामी, उनको भी फिजिकल बहुत तकलीफ है, फिर भी सब छोड़ के पता चला तो फोन आ गया था कि मैं तो आऊँगा ही। गुरुजी साकरदा अक्षर ऐसमी का अभी तो प्रसंग हुआ, सब वहाँ भी काम काज और बहुत सारा इश्यूज़, वो छोड़ के स्नेहल स्वामी
उनको भी एक पैर में तो उन्हीं का ऑपरेशन कराया है, दूसरा का बाकी है, वो सब छोड़ के सचमुच आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आप हमको आशीर्वाद देने आए भरत भाई के प्राकट्य दिन और बापू और दिनकर भाई के प्राकट्य दिन के ऊपर। वो बहुत, हम तो मानते हैं कि साक्षात अक्षर है स्वामी आपके थ्रू आए और हमको आशीर्वाद देते हैं। दिलेश भाई भी मंडल लेके आए, सब सब अश्विन भाई से बात हुई तो अश्विन भाई ने बोला कि हर्षद भाई और बैरिस्टर दो आए, लेकिन यहाँ देखे तो 40 आ गए थे। दरबार साहब, उमेश भाई, पूरा मंडल। तो साहब जी को भी और अश्विन भाई को भी हमारी चिंता रहती है, याद रहती है, ममत्व रहता है कि ये लड़के लोग क्या करते होंगे, ऐसा करके वो ख्याल करते हैं और अपने प्रसंग को कुछ भी करके आशीर्वाद देते ही है। जब भी दिनकर भाई का प्राकट्य दिन का हुआ तो मैंने सुबह बताया पूरा शिकागो उमड़ पड़ा, पंकज भाई, हर्षा बहन से लेके एमी बहन, एनजी बहन, विभा बहन, नवीन भाई, पूरा मंडल, में नाम तो कितने का लूँ, और सबके सरप्राइज है, पिंटू भाई और सूरज और उन्होंने दे दी, तो उनको भी खूब खूब धन्यवाद है। अमेरिका से आना वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज 24 घंटा से आना ना, तो इधर आके तुम वो एक पानी में पाँव रख दो, पाँव मीन्स ब्रेड, और ब्रेड कैसा हो जाता है ऐसे अमेरिका के लुढ़क जाते हैं। बट वो विभा बहन तो बेचारे डायरेक्ट सभा में आए सुबह में, तो ये सब भक्तों की बलिहारी है सचमुच। स्वामीनारायण धर्म अगर उजड़ा है ना तो उसे भक्तों से है। मेरा बॉस मुझे पूछता है कि तुम्हारा स्वामीनारायण में इतना डेडिकेशन क्यों है, मैं बोला सर उन्होंने हमारे भगवान ने जो को कैसे बैठे हैं हाइएस्ट HRD कर दी है। HRD इज वॉट, कि एम्प्लॉय की चिंता एम्प्लॉयर करता है। तो बोले पहले उन्होंने दे दिया है कि तुम्हारा नसीब में रामपात्र लिखा तो मेरे को आओ, एक बिच्छू काटने का दुपला करोड़। इसीलिए बोलते हैं स्वामीनारायण में सब सुखिया क्यों हैं, भगवान ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं, तो भक्तों का डेडिकेशन क्यों। ये सब भक्त औरंगाबाद से भी 150 भक्त आए हैं, सम ऑफ देम आर फाइनेंशियली नॉट स्ट्रांग के भाई टिकट निकाल के आवे, ऐसे भी भक्त आए हैं रुमला गोलार वाले बेचारे। तो आज वो सब ये आपकी सबका भाव, जैसे नरेश भाई और हमारे जागीरदार ने बताया कि आज की दुनिया में वी आर लिविंग इन द वेयर टू अट्रैक्ट क्राउड इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। कोई पॉलिटिकल पार्टी में, कोई संस्था में, कोई एक्ट्रेस को बुलाएंगे, एक्टर को बुलाएंगे, ये हमारा स्वामीनाथ का ऐसे बिन बुलाए भी सब आके सब भाव देते हैं, ये एक बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी बात है। आज किसको टाइम है, बॉम्बे में पैसा से भी ज़्यादा टाइम की कीमत है। तो इस सचमुच आपका भाव को बहुत बहुत नमन है सबकी ओर से, दिनकर भाई, बापू, भरत भाई की ओर से मैं आपको सचमुच थैंक्स बोलता हूँ और दिल से हम आपके आभारी हैं। भरत भाई के प्रागट्य की बात है तो एक वचनामृत है, तो वचनामृत में वो भी एग्जाम्पल में नया एग्जाम्पल गुरु जी सवार है भरत भाई एक वचनामृत में कितना एग्जाम्पल से नहीं पर बात करी तो 200 एग्जाम्पल निकलिया, 500 एग्जाम्पल्स। तो एक एग्जाम्पल दिया है, सोनानो दोरो छह ऋतुमा सरको, समझ में आया आपको, मैं समझाता हूँ। स्टील होता है स्टील, वो गर्मी में गर्म हो जाता है और ठंडी में सिकुड़ जाता है। आप रेलवे के पटरी देखो तो दो पटरी के गैप रहता है, क्योंकि वो गर्मी में एक्सपांड होता है तो ऑटोमेटिक ये हो जाता है। और सोने का दौरा है वो छह ऋतु में सरका, कॉपर, एल्यूमिनियम, दैट इज देयर ओन सब्सट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन। इस तरह से भरत भाई का हमने देखा है, जब से काका जी के पास थे 1972-73 तो आज तक, वो टाइम काका जी के पास सरल रहते थे, दास रहते थे, आज भक्तों के पास सरल रहते हैं, दास रहते हैं। हाँ भाई बोलो, शू करूँ, अभी बोला ना उन्होंने 18 का 19 का कर दो। ऐसे सब भक्तों के पास कोई भी प्रॉब्लम लेके आता है, हाँ भाई बोलो, तो उसका रहस्य क्या है कि ये सब स्वरूपों जो महाराज ने प्रथम का 27 वचनामृत में बोला है कि ये सब स्वरूपों इधर क्यों बैठे हैं, क्योंकि सब सब कुछ है, ज्ञान है, भक्ति है, धर्म है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा उन्होंने भगवान रखे हैं, अखंड भगवान में रहते हैं,
कोई भी प्रॉब्लम आ गया, भगवान सब देखते हैं, सबके प्रसंग, गुरु जी के भी कितने सारे प्रसंग। वो एक दीदी आई है, उसकी किडनी का प्रॉब्लम था, अभी ऑल ऑफ ए सडन, फिर भी भगवान रखे। तो ऐसे भरत भाई जब काका जी के साथ थे, बहुत हम तो पढ़ते थे, साथ में पढ़े, सत्पुरुष के तरफ दृष्टि कैसा रखना, वो एग्जाम्पल काका जी, अरे वो एग्जाम्पल भरत भाई सिखाते थे। एक बार काका जी ने सुबह में भरत भाई को एक लेटर पोस्ट करने के, एक प्रसंग मैंने जूने होंगे उसको मालूम होगा, पोस्ट करने को दिया। तो सुबह में पोस्ट करने को दिया, बाद में भूल गए थे। रात को जब पग दबाने गए, तभी भरत भाई ने पूछा, अरे काका जी ने पूछा कि वो लेटर पोस्ट कर दिया? तो बोलते हाँ। काका जी चलो उठो, उठ गए, लाइट करो, प्रसाद लाओ, प्रसाद दिया। वो क्यों? क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस में हम जो काम दिए थे, सतपुरुष ने जो काम दिया भूल जाते हैं, लेकिन उन्होंने वो याद रखा शुरुआत के दिनों में। वही जो स्टाइल है सुनानो दोरो छह ऋतु मास रखो, तो वो भी स्टाइल आज भी वो स्टाइल याद रखते हैं आज भी। कोई अभी तो क्या अमेरिका से भक्त आते डायरेक्ट फ़ोन कर देते हैं कि भाई मैं ये तारीख में ये फ्लाइट में आने वाला हूँ, तो इमीजिएटली किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, लेकिन बरोबर याद रख के एज अ ट्रू सेवक उसका एग्जीक्यूशन करते हैं। तो ये एक उनका विशिष्ट गुण। दूसरा उसका स्पष्टता, चौकसता, चिवटता, कि कोई भी काम आप लो हाथ में, उसको एकदम क्लैरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ, चिवटता के साथ कंप्लीट करो। आज भी जो बड़े बड़े मैनेजमेंट साइंस एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, उसमें आज यही काम आता है। तो बहुत सारे गुण हैं, मैं बात करने जाऊंगा तो हेमंत भाई और प्रसाद भाई बोलेंगे कि बेटर थिंग नेक्स्ट टाइम। तो भरत भाई के लिए हम और भी बातें करेंगे, दिनकर भाई और बापू की कल बात करेंगे। आज तो गुरु जी का, इतने दूर से आए हैं, है गुरु जी आप खूब खूब आशीर्वाद दो कि जो चीज़ आप कराना चाहते हो, पृथ्वी पे जो जन्म हुआ, भगवान हमको जो मिस से पृथ्वी पे लाए हैं, जो कसर टालने के लिए लाए हैं, भरत भाई आपके चरण में प्रार्थना है कि जो महात्मा की कसर, स्वामी की बात की पहला प्रकरण की पहली बात, जैसा है वैसा महिमा समझने की कसर, भगवदी का प्रसंग करने की कसर, भगवदी का स्वीकार करने की कसर, वो टल जाए और हर पल पल के जीवन में। अभी तो काका जी इतना काम करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, अब आया नहीं है मेहुल भाई, तो दो दिन पहले मैं सोचता था उसका ये अपना जो रोड कर गया कपाट, उसका सर्टिफिकेट आया TDR सर्टिफिकेट, तो पैसे का अरेंजमेंट नहीं हुआ था, तो मैं तो भूल गया, बाद में भूल गया, लेकिन वो मेहुल भाई ऐसे ही जाके, अभी हिसाब के बिना ऐसे ही जाके वो सब कागज बागज एकदम लेके रात को आ गए। आई वॉज रियली शॉक कि ये कैसे हुआ, और मेरे को ऑफिस में से फ़ोन आया कि तुम अभी का भी आ जाओ, सही करने का है। तो सचमुच जब ही ये बात जो आई, भगवान भी रहते हैं, भरत भाई भी ऐसे है, जब ये पवई का काम पहले नहीं हुआ था, मंदिर वंदिर कुछ नहीं था, तो इधर बोरवेल करना था, तो भरत भाई ने हरकचंद भाई को बोला, हरकचंद भाई का कैसा है, जब ये ऑर्डर फाटता है तो जल्दी करना पड़ता है, हाँ एसी नु काम करवानु छे, तो मेरे को ध्यान में लेना पड़ता है एसी का काम करना है, तो उन्होंने बोरवेल का बोला, तो भरत भाई ने बोल दिया हाँ मैं दे दूंगा, तुम ऑर्डर दे दो। बाद में भूल गए, हम तो तारदेव रहते थे, तो भरत भाई पूजा कर रहे थे, तो उनको याद आया कि साला उसको आज 1,25,000 रुपया देने का है, मैंने तो कुछ किया नहीं है। आप मानोगे नहीं, वो टाइम पे इधर शर्मा जी आए हैं डोंबिवली, रामसुख शर्मा जो IMC में काम करते थे, उनका लड़का गोपाल शर्मा यहाँ आते, वो रामसुख शर्मा आए सुबह में दासवामी, और एकदम आके भरत भाई के पास बापू जब पूजा में बैठ गए और थोड़ा रोने लगे, कि बोलता है मुझे मेरा संकल्प था कि अगर मेरा जो घर है वो बिक जाए तो मैं पहला पैसा मंदिर में तारदे में दूंगा। तो वो बोलता है अभी खाली टोकन मिला है, वो टोकन का 1,25,000 रुपया एग्जैक्ट 1,25,000 रुपीज दे के आया, भरत भाई के चरणों में रखा, भरत भाई ने वो इधर दिया। खाली पैसे की बात नहीं करता हूँ, हर एक भक्तों की, वो जो उर्मिला बहन करके रहते हैं घाटकोपर में, उसका लड़का कुछ बीमार हो गया,
तो भरत भाई का पहला फोन रह गया, नहीं लगा, मैंने बोला तो बेचारा इतना घबर गई थी, पर हुआ तीन दिन के बाद फोन आया कि अच्छा हो गया। तो कहने का मतलब है ये भगवान रखे हुए पुरुष है, तो आज प्रार्थना है सबको कि वो भगवान रखने की कला, जैसे जीवन जीने की कला, पैसा कमाने की कला, अच्छा बनने की कला, ऐसे भगवान बनने की कला सीख जाए, भगवान अखंड रखने की कला सीख जाए, वही प्रार्थना। बोलो सहजानंद स्वामी। हमने कुछ साल पहले परमपूज्य भरत भाई के प्रागट्य दिन पे एक प्रेजेंटेशन बनाया था, जो भरत भाई के ऊपर भरत भाई का अच्छे तरह से हमें महात्म्य दर्शन कराता है, तो वो जो प्रेजेंटेशन है वो उसका अभी हम दर्शन करेंगे। परम पूज्य भरत भाई सन 1969 में प्रथम ही काका जी के परिचय में आए, प्रथम दर्शन में ही काकाशी उनको भा गए और ऐसा लगा मानो जन्मों जन्म का संबंध हो और मैं काका जी का हूँ और काका जी मेरे हैं, यह बात उनके जीव में दृढ़ हो गई। संत जन सोई सदा मोहे भावे, संत जन सोई सदा मोहे भावे, देह इंद्रिय रूप मन आदि के, देह इंद्रिय रूप मन आदि के संग में नहीं लपटावे, संत जन सोई सदा मोहे भावे, संत जन सोई सदा मोहे भावे। सदा मोहे भावे, संत जन सो
गुणातीतानंद स्वामी की बातों में स्वामी ने कहा है कि अच्छे से अच्छा क्या है, तो यह भगवान और साधु का संबंध हुआ वो अच्छे से अच्छा है, और उनके प्रति मनुष्य भाव आए वह अत्यंत दुखद बात है। सच्चा संबंध यानी उनकी स्मृति करना और पल पल उनका प्रागट्य मानना वही है। सूर्य के रथ में अंधेरा नहीं हो सकता, सम्राट का राजपुत्र भीख नहीं मांग सकता, उसी तरह अगर सच्चा संबंध हो तो ग्लानी, चिंता, भय और शोक त्रिकाल में भी नहीं उठ सकता। जितनी उलझन है उतनी संबंध में कचास है। संबंध की पराकाष्ठा में मन का अस्तित्व नहीं रहता, बस तू ही की भावना रहती है। महाराज अक्षरधाम में से साधु यानी मूर्तिमान अक्षर ब्रह्म और नियम यानी निर्दोष बुद्धि, यह दो बातें लाए हैं। ऐसे गुणातीत साधु का संबंध कैसे करना, श्री जी महाराज ने वचनामृत मध्य 21 में कहा है कि जिस प्रकार जीव को राम कृष्ण आदि परोक्ष भगवान और नारद शुभ जी आदि परोक्ष साधु में प्रतीति है, वैसे प्रत्यक्ष भगवान और भगवान के साधु में प्रतीति लाकर उनका संबंध करेंगे तो कल्याण के मार्ग में उसे कुछ करना बाकी नहीं रहेगा। सम्यक निर्दोष बुद्धि यानी स्वामी की बात की प्रथम प्रकरण की पहली बात, धाम के महाराज अक्षरधाम और मुक्तों सहित ऐश्वर्य प्रताप युक्त जैसे हैं वैसे ही पृथ्वी पर विराजमान है, इसमें रंच मात्र भी फेर नहीं है। देह को छोड़कर जिन्हें पाना है वह इसी देह में मिले हैं, इस प्रकार की समझन अखंड रखना वही सम्यक निर्दोष बुद्धि है। निर्दोष बुद्धि का विचार इस प्रकार करना चाहिए, हमें मिले हुए जो प्रत्यक्ष स्वरूप है उनका बोलना चालना खाना पीना सभी क्रियाएं दिव्य है, ऐसा मानना ही निर्दोष बुद्धि है। मानव मूर्ति की हर क्रिया परहित के लिए होती है, इंद्रिया अंतकरण आदि माइक उपकरण तो उन्होंने ग्रहण किए हैं, काम क्रोधादि दोष तो उनमें एक भी नहीं है, जो दिखता है वह ग्रहण किया हुआ है। उनकी सारी क्रियाओं के पीछे सब सुखी हो यही भावना होती है। श्री जी महाराज ने वचनामृत मध्य 63 में कहा है कि भगवान के भक्त को केवल ब्रह्म की मूर्ति ही मानना, भगवान और भगवान के भक्त को निर्दोष मानना। तो ते क्षण लड़िए गुण ने
सपनों विवेक है प्रभु जीवन मा प्रगटाव जे प्रार्थना मूल का तनी प्रभु आर दूसरी कार जे प्रार्थना मूल का तनी परम कृपाळु परम दयाळु परम एकांतिक परम बुद्धिवान श्री जी महाराज की सेवा में अखंड तत्पर श्री जी स्वामी के अखंड धारक अनंत जीवों को माया पार कराने का सामर्थ्य धरने वाले स्वधर्मनिष्ठ सत असत विवेकवान विवेक विचक्षण काका श्री के परम लाडिले स्वरूप योग के राजा दूसरों का सत्कार करने वाले क्षमावान धैर्यवान शूरवीर परोपकारी अनेक शुभ गुणों के भंडार ऐसे हमारे गुरुदेव परम पूज्य भरत भाई के चरणों में हम सब अभिलाषी सेवक शीश झुकाकर दीन होकर प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव आप हमें अपना मानकर गुणातीत की बारह खड़ी सिखाना आपके प्रति हमेशा अहोहो भाव रहे आप अत्यंत दयालु हो आपका संकल्प साक्षात श्री जी महाराज पूरा करते हैं तो आप संकल्प मात्र से हमारे जीवन में आध्यात्मिक क्रांति लाना फलस्वरूप आपकी आज्ञा हमारा जीवन बने आपको कभी ओशियाड़ा नहीं करे गुरु हरि काका श्री और श्री जी महाराज की प्रसन्नता प्राप्त कर सके और गुणातीत भावना वाले साधु बन सके यही प्रार्थना जय स्वामीनारायण बालक हम अबोध हम अज्ञानी तू ही हमारो साचो अंतर्यामी हम बालक हम अबोध हम अज्ञानी तू ही हमारो साचो अंतर्यामी अहर्निश जो दर्शन पाए अहर्निश जो तेरो दर्शन पाए अक्षर का सुख उसे गले से लगाए ध्यान धरो ध्यान धरो कृपा निधि का काजी अरज पे ध्यान धरो कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा निधि का काजी आशीष परम पूज्य भरत भाई परम पूज्य भरत भाई के चरणों में प्रार्थना है कि आज हमने वचनामृत द्विशताब्दी महोत्सव मनाया है सुबह में तो हम ये जो सिद्धांत है वचनामृत के जो सिद्धांत है वो अपने जीवन में उतार सके ऐसी आप कृपा वर्षा करना आशीष परम पूज्य भरत भाई ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैः वेदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा जिनी अमृतवाणितो वैरैः साक्षात् महिमारूपे जिनी ब्राह्मीस्थिति अहोलिनकरे सुभव्य अक्षरपदे शरणागतनिज अल्पजीव सहुनाश्रेयार्थे तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे बोलो सहजान स्वामी महाराज अक्षर पुरुषोत्तम महाराज
प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तो ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज की, ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज की, गुरु हरि काका जी महाराज की, गुरु हरि पप्पा जी महाराज की, प्रगट ब्रह्म स्वरूप हरिप्रसाद स्वामी महाराज की, ब्रह्म स्वरूप अक्षर विहारी स्वामी महाराज की, संत भगवंत साहेब जी की, प्रगट ब्रह्म स्वरूप गुरु जी महाराज की, सभी गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय, दिव्य स्मृति महोत्सव की। सुबह में वचनामृत द्विशताब्दी महोत्सव के अवसर पे बहुत अच्छा सब बातें हुई, और जब इस स्वामीनारायण भगवान की ये वाणी वगैरह सब के बारे में सुनते हैं तो अंतर में एक अलग ही भाव होता है, और ये माहौल ऐसा हो गया कि हमें कुछ न कुछ प्राप्त होता है, और ऐसे माहौल में हम बैठे हैं, और अभी दिल्ली से गुरुजी और सब बहनें भी आ गए, तो और उसमें हमें सोने पे सुहागा जैसा हो गया। एक दो तीन का जो फंक्शन था तो गुरुजी जब भी लास्ट में मिले थे तभी पूछा था आप, तो क्या हाँ हाँ जरूर आना है। हम सोचते थे कि कैसे आएंगे, जैसे वसी भाई ने बताया कि कैसी तरह से ये फंक्शन में इतनी 3-4 बार दिल्ली से ये बाजू आना हुआ, तो आज बहुत बहुत खुशी हुई गुरु जी का दर्शन से, सभी संतों का दर्शन से, सभी बहनों आए सुबह में, जो हरिधाम से बहनों आए उसने भी बोलते प्रेम बहन ने स्पेशल राखी भेजी है दास के दास बनने के और एक ही नहीं भेजी है मगर सबके लिए भेजी है, दिनकर भाई अपने बापू वसी भाई सबके लिए। तो कहना ये है कि ये जो एक भावना है हमेरा अंदर के साथ में सबके एक दूसरे के साथ में, वो बहुत बड़ी बात है। काका जी के संपर्क में आए, स्वामीनारायण भगवान मिले, वही पहले तो हमेरा सबसे बड़ा भाग्य है कि हम स्वामीनारायण भगवान के ऐसे कुटुंब में कैसे भी तरह से उनके संबंध में आ गए और ये सब प्राप्त हुआ। दूसरी बात, उसके ऐसे धारण प्रकट धारण किए हुए ऐसे काका जी स्व महाराज मिले तो उससे भी और बड़ा लाभ हो गया। जैसे बोलते हैं कि पारस मणि है वो लोहे को टच करते हैं तो गोल्ड हो जाता है, और जब भी वो गोल्ड बनता है बाद में पारसमणि कितना भी चाहे तो उसको लोहा नहीं बना सकता। इसी तरह से काका जी का जो स्पर्श हुआ और उसने जो हमारे पे दृष्टि करी, दृष्टि में लिया, हम मेरी बात अकेले की नहीं करता हूँ मगर जो भी ऐसे गुणातीत स्वरूपों के संतों के संबंध में आए हैं, उनके संबंध में आए, स्पर्श में आए, ये जो सब बहने हैं सब की बात करता हूँ, संतो है सभी। सुबह में मैं गुरु जी से भी बात कर रहा था कि तो हमें तो ऐसा ही हो गया है कि अभी हम उसका स्पर्श हो गया है तो हम गोल्ड बन गए हैं, तो अभी लोहा बनने की कोई उम्मीद ही नहीं है, ऐसा पक्का काका जी ने जीव में बिठा दिया है। तो आज हम इतने तो ये बहुत भाग्यशाली यही है। उससे भी आगे काका जी ने ये सब जो संतों भक्तों सबके साथ ऐसा संबंध कराया, ऐसी आत्मीयता कराई, ऐसा एक प्रेम भाव बढ़ाया, वो हमारे लिए बहुत बड़ा
भाग्य है, नसीब है। जब भी हम छोटे थे तभी एक पिक्चर आया था गाइड कर, गाइड पिक्चर, और उसमें मोस्टली देवानंद था एक्टर कई, और उसने सब रात बहुत उपवास किए कि बारिश हो जाए, और बारिश होने के लिए बहुत उपवास किए, मगर बारिश हो नहीं रहा था, और 9 के 10वें दिन उसका उपवास ये हो रहा था, और वो एकदम कोई इसको पूछने आए कि बारिश होगी, आपके उपवास किए हैं तो बारिश होगी, तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने बोला कि मुझे मेरे में विश्वास नहीं है, मगर मैंने जो जिसके कारण उपवास किए वो लोगों के हिसाब से मैंने उपवास किए है, उसके लोगों के विश्वास में मेरे को विश्वास है। इसी तरह से काका जी ने हमें ग्रहण किए है, उसने हमारे में जो विश्वास रखा है उसमें हमें पूरा विश्वास है कि वो पार करेंगे और वो हमें ऐसा बना देंगे, ऐसा उसमें संबंध का महत्व है। तो आज हम ऐसी प्रार्थना करेंगे, आज प्रार्थना करने का दिन है, ज़्यादा बात करने के आशीर्वाद लेने का दिन है। हम काका जी के चरणों में हमें ऐसा ये प्रार्थना करते ही आए हैं। काका जी हमें ऐसा बोलते थे कि कोई भी प्रसंग में, कोई भी मुश्किली में, वहाँ तारदेव मंदिर था तो काका जी बोलते ये तारदेव मंदिर में जो मूर्तियाँ है उधर 15 मिनट ढूंढ करना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसे सब इधर पवई में मूर्तियाँ बनाई उसके सामने ढूंढ करना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसे जो ये ढूंढ करने का उपाय वो दिया है, और वो हमेशा करते रहो, वो करने से हमारे जीव में वो बल आ जाएगा, और स्वामीनारायण मंत्र का जो महत्व है वो जीव में बैठेगा। जीव में बल पाने के लिए स्वामीनारायण मंत्र सर्वोपरि है। उससे भी आगे जो दूसरा काका जी बोलते थे, इंटेंस एस्पिरेशन, तीव्र अभिप्सा रखो, कुछ भी कार्य करना है, कुछ भी ये है आपकी तीव्र कुछ इच्छा है, तीव्र अभिप्सा रखो, मेरे को प्रभु को राजी करना है, मगर मेरे में कुछ है नहीं, मेरे में कोई ताकत नहीं है, मैं कुछ कर सकता नहीं हूँ, मेरे से कुछ होएगा नहीं, सब बराबर है। काका जी हमेशा हमें पूछते थे आपको करना है, सिंपल बात, तो हम बोलेंगे हाँ करना है, तो बोलते हो गया। अभी इतना ही बोलने से होता है तो कितना ये है, मगर काका जी ये चाहते थे, बोलते थे कि एक करना है, इसका मतलब क्या, इंटेंस एस्पिरेशन, आपकी दिल की सच्चे हृदय की भावना पक्की होनी चाहिए, इंटेंस एस्पिरेशन, ऐसी तीव्र अभिप्सा मेरी हमेशा बने रहे कि हमें ये स्वरूपों को राजी करना है और उसकी प्रसन्नता पानी है, वो जो हमको कराना चाहते हैं वो हमें करके ही रहना है, तो सहज में सब होने वाला ही है, होते ही रहेगा और हो रहा है। इससे भी तीसरी बात है, काका जी हमेशा बोलते थे, बहुत सिंपल बात बताते थे कि आप सत्कर्म करो, अच्छा कर्म करो, अच्छा सत्कर्म करो, कि दूसरे को जरूरी है, आपकी आवड़त है, और जो अपने गुरु है, संत है, उसकी मर्जी है, उनको राजी करने के लिए कोई भी अपेक्षा के बिना उनकी सेवा में लगो, वो सत्कर्म है। और काका जी वो सत्कर्म करने के लिए हमें बार बार कहते थे, तो बाद में बोलते हैं भाई सत्कर्म कैसे करें, रात की प्रार्थना रात को सत्कर्म कैसे समझे कि ये सत्कर्म है, तो काका जी उसका भी उपाय बताते थे कि आप रात को प्रार्थना कर लो कि हे प्रभु कल मेरे से एक अच्छा सत्कर्म कराना जिससे आप राजी हो जाओ और आपके प्रति हमारी भक्ति हो जाए, ऐसा सिंपल सत्कर्म की प्रार्थना करो। दूसरे दिन आपके सामने सत्कर्म जरूर आएगा, आएगा और आएगा, और आप वो करोगे आपको खूब बल मिलेगा। तो ये बातें काका जी की एकदम सहज सिंपल बातें हैं, काका जी बोलते थे हमें,
कि आप को हम बुलाएंगे और बोलेंगे कि इधर एंटर होने की 5,000 रुपया फी है, तो आप आओगे और एकदम अलर्ट रहोगे कि 5,000 रुपया दिया है, क्या देते हो? अभी बहुत सारे ऐसे क्लासेस चलते हैं और 5,000 रुपया फीस लेते हैं, और देते तो वही है और कुछ नहीं, मगर फिर भी फीस दिया है उसका हमें वो रहता है, बोलते मैं मुफ्त में देता हूँ और आपको उसकी वैल्यू नहीं है, इसलिए आप भूल जाते हो। एक बार वो दिल्ली के प्रवचन है, उसमें काका जी बोलते मैं लुआर हूँ, सबको चाबियाँ बना के देता हूँ और सब चाबी खो देते हैं, फिर मैं वापस बना देता हूँ। वो काका जी इतने दयालु, इतने करुणा सागर हमें मिले और ऐसे स्वरूपों मिले, तो हमारा तो भाग्य का पार नहीं है। तो हम तो यही करें कि उसने जो बताए, सिंपल बातें बताई है, ये सब जो मैंने 2-3 बात भरी करी वो एकदम सामान्य बात है, और ये सब को कल मेरा कल 31 था, तो कल भी बर्थडे मनाया, और ये बहनों ने सब प्रोग्राम बनाया था, कृपा बहन और सब बहनों ने बहुत अच्छा किया था उसकी भावना से। तो कल शताब्दी, वो वचनामृत भी शताब्दी था, तो दोनों मिक्स हो गए कि वचनामृत का भी था और ये भी था, तो मगर भावना अच्छी व्यक्त करी। तो सबको धन्यवाद है, मैं तो सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ऐसे भक्तों। वे बाद में घनश्याम भाई बोलते थे हमको कि आपको ये मीन्स, उसने वो बोलते थे ऐसा नहीं, वो सबकी भावना बोल रहे थे कि सब भक्तों कब तक निर्दोष बुद्धि रखते रहेंगे और आप लोग ये करते रहेंगे ऐसा। मगर कहना वो था उसका कि हमें अच्छी तरह से जीवन ऐसा जीना है कि सामने वाले को गुण ही आए, अभाव गुण में जाए ही नहीं हमें। इसलिए मैंने किधर पढ़ा था कि वो भी एक क्या बोलते अहिंसा है कि हिंसा है ऐसा कुछ, के हम दूसरे को तो अच्छा लगे ऐसा तो जीते हैं, दूसरे की दूसरे खुश होए ऐसा कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं जिए कि दूसरे नाखुश हो जाए, दूसरा ये बने उसको। तो आज हम ऐसी प्रार्थना करनी है स्वामीनारायण भगवान और सभी गुणातीत स्वरूपों के चरणों में कि रोज हम ये जो सत्कर्म की बात करी वो ऐसा कर्म करें हर रोज कि जिससे दूसरे लोगों को अच्छा लगे, दूसरे लोगों को भगवान को राजी करने के लिए उनको भगवान के भाव से देखे तो राजी ही हो गए, उसमें कोई नाराजगी होएगी नहीं, मगर हमें भाव नहीं होता है ये, इसके लिए वो नाराज होते हैं। एक बार मैंने प्रसंग दिनकर भाई का आए थे इधर, और ऊपर मंदिर में गए तभी हमारे हरकचंद भाई दिनकर भाई के पास आए, वो तभी बीमार बहुत रहते थे, और उसने दिनकर भाई को प्रार्थना करी कि आप मेरी बीमारी का इलाज ऐसा। तो दिनकर भाई तो अपनी स्टाइल से बोले चलो धुन करते हैं और आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तो एकदम एक्साइट हो गए और बोले कि आपको यही करना है आपको हम आपके पास आते हैं ऐसा ही कर दो जादू कि होना ही चाहिए, हो गया ये, इतना सालों से हम करते हैं इसी बीमारी है ऐसा कुछ बताया। बाद में दिनकर भाई कुछ बोले नहीं और वो चले गए। बाद में दिनकर भाई खाली एक प्रदक्षिणा करके ही आए, और बाद में वापस आए हरकचंद भाई उधर और पांव पड़े कि मेरे से कुछ बोला तो माफ करना और बोलते आप जो करते हो उससे हमारे को बहुत अच्छा है। ये देखो ये एक सामान्य बात है, हमारा भाव चेंज होता है, और वो भाव चेंज होने से हम सामने वाले को भी इसी तरह से देखते हैं, एक अंदर में प्रेजुडाइज अंदर में एक ये भाव बना रहता है। तो पप्पा जी बोलते थे कि वो सामने कोटि कल्पे न थाय एक दिवस में थाय,
ऐसा गुणातीतानंद स्वामी की बात में है, हम ऐसे गुणातीत संतों के संपर्क में है, मगर हम आज ये व्यक्ति को जैसा देखेंगे ऐसा कल भी वही देखेंगे। अभी वो कोटि कल्प चला गया, बाद में वो मेरे सामने आए हैं तो वो तो चेंज हो गया, दो चार दिन में ही चेंज होता है आदमी। तो कोटि कल्पे न था है, वो एक दिन में होता है, तो वो अपने महीने के बाद पाँच दिन के बाद आया है तो उसको अलग दृष्टि से देखो, वो नए रूप में आया है। और ऐसे भावना से हम सबकी ओर दृष्टि रख के देखे और सबको ऐसा महाराज का स्वरूप मान के, काका जी का स्वरूप मान के, प्रभु का स्वरूप मान के देखते हो जाए, जिससे उनकी प्रसन्नता सहज में मिलेगी और सहज वो राजी हो जाएंगे। आज के दिन ये प्रार्थना है, काका जी ने उसके लिए भी बहुत अच्छी बात बताई है, बहुत अच्छी फॉर्मूला बताई है कि आप हर रोज रात को वो वचनामृत के चार पैराग्राफ वो पढ़ो। वो का बात काका जी हमेशा बोलते थे, वो पैराग्राफ है वो दास का दास बनने का है। आज सुबह में दास स्वामी बहुत अच्छी बात करते थे कि भाई आपकी प्रार्थना सुन के किसी का काम हो गया, आपके आपने कुछ चमत्कार दिखा दिए, आपके वचन से किसी को बहुत लाभ हो गया, ये सब तुम्हारी अचीवमेंट नहीं है, मगर तुम्हारे सेवक के पास भी दो हाथ जोड़ के रहो, उसका भी गुण गाओ, वो तुम्हारी अचीवमेंट है। वो बोलते मेरे साथ में जोड़ है तो वो अभी जितनी खटका से जीवन जीते हैं उतना खटका से मैं जब भी उसके जितना था तभी रहता था, नहीं रहता था तो मेरे को उसको बड़ा मानना चाहिए, ऐसे भाव से मेरे को देखना है। और ऐसा जो देखने की बात है वो बहुत उच्च कक्षा है। ऐसे कोठारी स्वामी, प्रेम स्वामी, अश्विन भाई, शांति भाई, हर्षद भाई आए हैं, वो सब जो जीवन जीते हैं वो ऐसे भाव से जीते हैं। और अभी वो बहुत अच्छी बात बताते थे कि आज अश्विन भाई, शांति भाई भी साहब ने बोला है कि ये दिलीप भाई बोले ऐसा करना है, दिलीप भाई सब व्यवस्था संभालते हैं तो वो ऐसा बोलेंगे, वो दिलीप भाई के पास भेजो। तो ये बहुत उच्च कक्षा है और वो साधुता है, और ऐसी साधुता हम सेवक के सेवक बन के दास बन के रहे और ऐसे गुणातीत भाव में जाए, यही प्रार्थना है और यही सब सिद्ध हो जाए। इसके लिए हम दो मिनट धुन करेंगे, बाद में मैं मेरा प्रवचन को बात को विश्राम देता हूँ। स्वामी नारायण, 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 नारायण जम, 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 हे दयालु, हे स्वामी नारायण भगवान, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, जम 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 नारायण, जेनी अमृतवाणी तो वैरही साक्षात महिमा रूपे जेनी ब्रह्म स्थिति अहोलिन करे शुभ व्यय अक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। येनी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु
गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमास्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि योगिराजं नमामि सर्वे गुणातीत स्वरूपो ने नमामि। सजान स्वामी महाराज निजे, अक्षर प्रथम महाराज निजे, मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम महाराज निजे, आ त्रण दिवसना समयमां हाजर रहेला सर्व भक्तोनी पण जे जे जे, दूर दूर से आए हुए भक्तों की जे जे। भरत भाई को जीवन में मेरा इम्पोर्टेंट रोल है, आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, क्योंकि बापा के वचन से मैंने सभा करी, मैं उसको बुलाने को गया, हमारे मंडल में आते थे काका जी पप्पा जी जो शिविर करते थे लोनावाला वर्सोवा, उनकी नोट लाता था तो लिखने को देता था, तो कभी मुझे ना नहीं बोलते थे क्या, जब भी मैं बोलता था कि काका जी के पास जाना है तो आते थे। मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है कि पप्पा जी का जो सूत्र है, आध्यात्मिक क्षमता भरी निर्दोष बुद्धि सौमा सौ पड़े राखी, ये सूत्र भरत भाई ने सिद्ध किया है क्या है? मेरे साथ काम करते थे ऑफिस में, तो मेरे मैं तो लीलाधर हूँ ही पहले से ही है, तो लेकिन उसने मेरे अंदर कैसी निर्दोष बुद्धि रखी है मुझे मालूम है क्या है? कि वो कभी उसने मेरे प्रति भावफेर नहीं किया क्या कभी, और इतना नहीं जब भी कोई पूछे तो भी ऐसा बोले क्या कि बापा अपना क्या हाँ बापू क्या गया छे, कोई पूछे एक बड़े मुक्तराज ने पूछा बापू कहाँ जाएंगे, बापू पप्पा की काका जी की सेवा में ही कहीं गए होंगे है, तो ये ऐसी आध्यात्मिक क्षमता भरी निर्दोष बुद्धि सौमा सौ पड़े राखवी है, राखी कोई बार न रहे पर एना प्रयत्न चालू न चालू रहे है, ये अपनी साधना चाहिए वो भरत भाई ने की हुई है। और हमेशा जैसे काका जी ने एक मंत्र दिया था, साधना की पूर्णा होती क्या सचेतन सक्रिय समता पूर्वक का साक्षी भाव, तो हमेशा मैंने जब भी भरत भाई को देखता हूँ उनके साथ बात करता हूँ तो एक ही विचार आता है, जो भाई बहुत बचपन में मैं कविता पढ़ी थी, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अपने पद पर सब संकट तूफानों में है, उसका कभी भी उसको विवल नहीं देखा है, ऐसी उसकी इसकी सौम्यता शांतता धीरज गंभीरता ऐसी की ऐसी मैंने देखी हुई है। सजान स्वामी महाराज कीजिए आशीष परम पूजन निष्काम जीवन स्वामी। सहजानंद स्वामी महाराज ने जय, मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम महाराज ने जय, गुरुवरी परम पूज्य अक्षर विहारी स्वामी महाराज ने जय जय जय। आज परम पूज्य भरत भाई नो प्रागट्य दिन, सब मुक्तों महात्म्य खूबज बात करी,
એ બધા ઉપરથી એવું સ્વામીજીનું વાક્ય યાદ આવે કે કુછ પાને કે લીએ કુછ ખોના પડતા હૈ. ભરતભાઈએ જે પોતાના જીવનમાં પ્રાપ્તિ કરી એ એમને એમ નથી થઈ, પણ કાકાજીના વચને પોતે હોમાઈ ગયા. તો આજે કાકાજીની પ્રસન્નતા મળી. મહારાજે 500 પરમહંસો બનાવ્યા, સંતો બનાવ્યા, પણ એમાંથી એક ગુણાતીત એવા પાયકા કે જેની ઉપર એમને અમિત દ્રષ્ટિ વર્ષી અને પોતાના વારસદાર બનાવ્યા. એમ કાકાજીના યોગમાં ઘણા બધા ભક્તો હતા, પણ એમાંથી વારસદાર તરીકે કાકાજીએ ભરતભાઈને પસંદ કર્યા. એ ખરેખર આપણે બધાએ સમજવા જેવી ને વિચારવા જેવી વાત છે. તો આપણે પણ અત્યારે આ સ્વરૂપોને રાજી કરવા માટે જે એમનો મિશન છે, એમનું ધ્યેય છે કે સમ સુરદે ભાવને એકતા રાખી, સંબંધો મહિમા સમજી, સૌની સેવા કરી અને જીવીએ અને એમની અંતરની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરીએ, તો એવું જીવવા માટે પૂજ્ય ભરતભાઈ, પૂજ્ય ગુરુજી, પૂજ્ય દિનકરભાઈ સાહેબ અને સર્વે સ્વરૂપો આપણને સૌને ખૂબ ખૂબ બળ આપે, એ જ આજના દિવસે પ્રાર્થના. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ. આશીષ પરમ પૂજ્ય દિનકરભાઈ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય. ધ્યાન મૂલમ ગુરોર મૂર્તિ, પૂજા મૂલમ ગુરોર પદમ, મંત્ર મૂલમ ગુરોર વાક્યમ, મોક્ષ મૂલમ ગુરો કૃપા. જે ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લય કરે વેદો સ્તુતિ ઉચ્ચરે, જેના રોમ સુછિદ્રમાં અણુસમા બ્રહ્માંડ કોટી ફરે, માયા કાળ રવિ શશી સુરગણો આ જ્ઞાન લોપે ક્ષણ, એવા અક્ષરધામના અધિપતિ શ્રી સ્વામી નારાયણ, જેની અમૃત વાણી તો વહી રહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે, જેની બ્રાહ્મી સ્થિતિ અહોલિન કરે સુભવ્ય અક્ષર પદે, શરણાગત નિજ અલ્પ જીવ સહુના શ્રેયાર્થ તત્પર રહે, કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય વિભુને હૈયો તો વંદન કરે. સજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય. જય જય આજ કે આનંદ કી. જય 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 સદગુરુદેવ કી. જય 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 ગુરુહરિ. કાકાજી મહારાજ, ગુરુહરિ પપ્પાજી મહારાજ, બંધુ બેલડી શતાબ્દી મહોત્સવ કી જય. જય જય પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ હરિપ્રસાદ સ્વામી, પ્રમુખ સ્વામી, મહંત સ્વામી, જસભાઈ સાહેબ દાદા, અક્ષરવિહારી સ્વામી, મુકુંજીવન સ્વામી, ગુરુજી, નિર્મળ સ્વામી, વિજ્ઞાન સ્વામી, બા બેન, તારાબેન, જ્યોતિબેન, પ્રેમબેન, બેલાબેન, આનંદીબેન, દાસ સ્વામી, પ્રેમ સ્વામી, કોઠારી સ્વામી, મુકુંજીવન સ્વામી, શાસ્ત્રી સ્વામી, નિર્મળ સ્વામી, વસીભાઈ, ભરતભાઈ, બાપુ, સર્વે ગુણાતીત સ્વરૂપો કી જય. જય જય આજ ભરતભાઈ કા બર્થડે મનાને કા હમે બહોત લાભ મિલા. વૈસે હર સાલ ઇધર આતે હૈ ઓર એ મોકા લાભ મિલતા ભી રહેતા હૈ, મગર આજ 1-2-3 ફરવરી કા પ્રોગ્રામ બહોત બઢિયા મનાયા બતાયા. હમ કલ તો દિલ્હી થે ઓર 2 દિન પહેલે ગુરુજી કે પાસ બેઠે થે, તો ગુરુજી લિસ્ટ બના રહે થે કે ઇધર પવઈ આને કે લીએ કોન કોન આયેંગે. તો ગુરુજી કે પાસ હમારે નક્ષત્ર કી બાત આઈ, તો નક્ષુને અભી અમેરિકા ભી આયા થા વો, ઓર ઇધર
जनवरी में इतने प्रोग्राम थे, वो सब प्रोग्राम को भी उसने अटेंड किया। वो स्कूल में पढ़ाई करता है तो नेचुरली उनके पेरेंट्स को तो ऐसा होगा कि भाई वो स्कूल में ज़्यादा टाइम देवे। और इस टाइम पे उनके जो हेड प्रिंसिपल वो भी पवई दिल्ली मंदिर में आए थे, उनका भी हमें दर्शन हुआ। और वो प्रिंसिपल वैसे साउथ इंडिया का है, क्रिश्चियन बिलीफ वाला है, मगर बहुत सॉफ्ट, बहुत एकदम नेचुरल उनका प्रिंसिपल है। तो गुरुजी के पास ये बात आई कि नक्षत्र को इधर लाना है, तो कई लोगों ने गुरुजी के ये ऑप्शन को थोड़ा चैलेंज किया, जागृत किया कि उनकी इतनी इतनी एब्सेंस हुई है, अटेंडेंस बहुत बची नहीं है, अब वो नहीं जा सकता है। तो भरत भाई का ये और बापू का जो इधर बर्थडे मनाने वाले हैं, उनका महिमा गुरुजी को कितना है वो समझने के लिए मैं बात बता रहा हूँ। गुरुजी ने उनके सब बहनों को, संत बहनों को, संतों को, हरिभक्तों के सामने ये बात बताई कि भाड़ में जाए उनकी स्कूल। क्या बोला? भाड़ में जाए नक्षत्र की स्कूल, मगर उसको ले आना है। गुरु के वचन से करना है तो बापू को पूछ के करना, मगर ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये प्रसंग आज आप इधर हम सब आए हैं ना, वो नक्षत्र के जो समझदारी में से हम क्या सीखे। अब फिर नक्षत्र को बुलाया गया और बोला कि तेरी क्या इच्छा है। गुरुजी ने देखो वो उसको फोर्स नहीं किया, उसको पूछा कि मेरी तो इच्छा है, वो ये भी नहीं बोला, मगर गुरुजी की इच्छा थी कि वो इधर आए, मगर नक्षत्र को पूछा कि तेरी क्या इच्छा है। तो नक्षत्र का क्या जवाब था पता है? आप जो कहो वही। ये इतना 10 साल का मुक्त जो हम 50 जन्म से नहीं कर पाए, वो कह रहा है आप जो कहो वही। फिर उनके पप्पा ने भी, आशीष भाई ने भी बोला कि नक्षत्र को ले जाना है। देखो पप्पा का भी कितना डेडिकेशन है, गुरुजी की मर्जी वही हमारा जीवन है। और उससे आगे की एक बात है, गुरुजी ने ये बोला कि उसका जो हेडमास्टर है ना, उसके पास ये फी लेनी है, एयरलाइन की जो कॉस्ट है ना वो उसका हेडमास्टर देगा। हेडमास्टर भी बड़ा भुक्तराज है, वो भी देने को तैयार है। तो आज ये फंक्शन में हम आए हैं वो हमारे बड़े भाग्य की बात है। अभी हमारे वो शिकागो से एनजी और एमी और सब आए थे, इधर पिक्चर लिया हिमालय का। मैंने बोला ये मुफ्त में हिमालय की ट्रिप हो गई भाई इधर पवई आने से। और ये बात मैंने पहले भी दोहराई है, यू नो करीब 15-20 साल पहले इधर एक काका जी का बड़ा फंक्शन था और एमी को जॉब थी और वो नहीं आ पाई थी, मगर 2 दिन बचे थे फंक्शन चालू होने के, और बापू ने मुझे बोला कि एमी इधर आती तो उसको बहुत मज़ा आता, दिनकर भाई उसको आप बोलो कि एमी इधर आ जाए। तो मैंने बोला ज़रूर बापू। तो मैंने एमी को फ़ोन किया कि आप इधर आ जाओ। बोलते हैं क्यों? मैंने बोला बापू बुला रहे हैं भाई, आ जाओ। तो उसने फिर टिकट चेक किया तो प्लेन फुल्ली बुक था और फर्स्ट क्लास में ही टिकट मिल रही थी करीब 5 times more, 4 times more। या वैसे उधर $1,000 के आसपास में राउंड ट्रिप टिकट कोच क्लास की मिलती थी और ये 10,000 की टिकट थी, 10 times। तो एमी ने मुझे फ़ोन किया कि मैं आऊँगी तो 3 दिन के लिए आऊँगी और वापस जाने वाली हूँ। तो मुझे वो, मेरी बेटी मुझे सवाल पूछती है कि डू यू थिंक दैट दिस इज वेस्टिंग ऑफ मनी, आप मुझे ये 10,000 रुपया की 3 दिन में टिकट
दिलवाकर भेज रहे हो तो आपके मनी वेस्ट हो रहे हैं ऐसा नहीं दिखता है। तो मैंने उसको समझाया कि ये सत्संग में वेस्टिंग मनी कभी भी होता नहीं है, तू आएगी तो ये वेस्टिंग नहीं मगर इन्वेस्टिंग हो रहा है। वाह, वेस्टिंग नहीं मगर इन्वेस्टिंग। कोई अच्छी कंपनी का स्टॉक लेते हो तो वो इन्वेस्टिंग होता है भाई। तो आज वो खुशी से आई यू नो है, क्योंकि वो अब दूसरी बार कहना नहीं पड़ा है। और ऐसे ही हमारे उधर से भी कई कई लोग, हमारे भी जो शिकागो के भक्त लोग हैं वो मुझे सरप्राइज दे रहे हैं, आए तब तक बताते ही नहीं है मैं आ रहा हूँ। तो ये सत्संग का सरप्राइज देने का गुरु जी ने चालू किया। तो गुरु जी के वो सब भक्त है तो भाई वो तो वैसा ही सरप्राइज देते ही रहेंगे। मगर आज ये बात ये है कि भरत भाई का बर्थडे जो हम हमारी समझदारी से समझते हैं उनसे बहुत बड़ा है। मैं ये बात आपको समझाना चाहता हूँ कि गुरु जी कौन सी नज़र से देख रहे हैं, गुरु जी नक्षत्र को कैसे तैयार कर रहे हैं। पढ़ाई इज इम्पोर्टेंट यू नो, मगर उनके आशीर्वाद से वो पास हो जाएगा। इतना ही नहीं है मगर जो भी आज इधर आए हैं उन आपका सबका भी भाग्य खुल जाए, ऐसे गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, भरत भाई के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। सजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। आशीष परम पूज्य गुरु जी, जन्म्या कौशल देश वेश बटुनो लैते, जन्म्या कौशल देश वेश बटुनो लै तीर्थ माई फिरया, रामानंद मिलया सधर्म चलव्यो, यज्ञादि मोटा करया, मोटा डामर चारया गढ़पुरे बेदेश गादी करी, अंतरधान थया नसी हरि तमे गुणा तिते छो प्रगट। जनी अमृतवाणी तो वह रही साक्षात्मयी माँ रूपे, जनी भूमि स्थिति अहोलिन करे सुव्याक्षर पदे, शरणागत निजन जीव सौना शयात तत्पर रहे, काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। सजान स्वामी महाराज जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज जय, शास्त्री जी महाराज जय, योगी जी महाराज जय, काका जी महाराज जय, प्रत्येक सामुदाय मुक्तो जी। बापू है अत्यारे कौन है बात कर रही, दिनकर अंकल, हाँ हाँ नहीं बापू है बात कर रही, प्रिंसिपल ने दिनकर अंकल ने हिंदी में। नक्षत्र का यहाँ लाने का पीछे मेरा एक इंसिडेंट कोरिलेट होता है। मुझे याद है काका जी का साक्षात्कार दिन मनाया जाए बहुत सालों पहले की बात है, जब ये दर्शन अभी जो अपना वो नक्षत्र जितना था, नक्षत्र तो बड़ा है वो तो उससे भी मैं मानता हूँ 6-7 साल छोटा होगा। 3 फरवरी थी, हम तारदेव जाते थे तो वो आ गए, छोटे छोटे पाँव और जीना चढ़ रहा था, तो हम मुझे तो ऐसा ना कि भाई 3 फरवरी का फंक्शन है काका जी का, इसको क्या समझ आती होगी जो आज इतना जल्दी तैयार होके आया। मैंने उसे सहज नॉर्मल टोन में पूछा, तू
તું બી ઉપર આવે છે, તું બી ઉપર આવે છે. ઉસને એકદમ જવાબ દિયા, કાકાજીનો દિવસ હું નહીં આવું તો કોણ આવશે? હમ માનતે હૈ હમકો હી મહિમા હૈ. હા, ઇસને કૈસા જવાબ દિયા? ઇસસે મુજે હુઆ કે ભાઈ દેખો, બચપન સે અગર યે સંસ્કાર દ્રઢ હુએ હોતે હૈ તો આગે જાકે કિતને બડે વો સંસ્કાર અપને તો હૈ હી, પ્રારબ્ધ પ્રકૃતિ કો ટાલે, લેકિન હમે એસે સમર્થ બનાતે હૈ કે સામને આયે હુએ મુક્ત કો ભી હમ દિવ્ય માન પાએ કે ઇસકે અંદર પ્રારબ્ધ પ્રકૃતિ હૈ હી નહીં. તો યે થી કહાની નક્ષત્ર કે આને કી. દૂસરી બાત, જૈસે અભી બાપુ ને યા કિસીને ભી બતાયા કે કરોડો ધન્યવાદ હો સહજાન સ્વામી ને. હમ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય કો જીવન સંપ્રદાય કહેતે. દેખો, ઓર કોઈ સંપ્રદાય કે લીએ જીવન સંપ્રદાય બોલા નહીં જાતા. યે એક જગજાહીર બાત જૈસી હો ગઈ હૈ કે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય જીવંત સંપ્રદાય. કોઈ વ્યક્તિ ચલતી ફિરતી જિસમે રૂહ હૈ, આત્મા હૈ, ઉસકી કિંમત હૈ, મને જીવંત વ્યક્તિ કી કિંમત હૈ. વો વ્યક્તિ કી ડેથ હો જાય ફિર ભલે વો રાજા કી હો, ઓર્ડિનરી લેમેન કી હો, કિસી કી ભી હો, ઉસકો ખાકી કિયા જાતા હૈ. બેશક બડે હોંગે ઉસકે બડે મેમોરિયલ સમાધિ સ્થાન વગેરે બન જાતે હોંગે. ઇસી તરહ આજ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય મેં એસે સંત જો સંપ્રદાય કી આત્મા હૈ, જિનકે દ્વારા સંપ્રદાય જીવંત રહા હુઆ હૈ, ઓર વો ધન્યવાદ હૈ ગુણાયતાન સ્વામી કો મહારાજ લાયે ઓર ઉનકે દ્વારા એક પરંપરા સતત ચાલુ રહી. હા, કાકાજી નહીં હંમેશા બોલતે થે ધ પાવર હાઉસ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ એન્ડ કન્ટિન્યુઅસ. ફિર ખુદ બોલતે ભી થે કે આજે ભી ચાલુ છે, આગળ ભી રહેશે, આગળ પણ રહેશે. તો દેખો, આજ ભરતભાઈ કી કોઈ મહિમા ઓર ગાને કી જરૂરત હી નહીં પડતી. સભીને બાતે કરી, હા, કે આજ વોહી મહારાજ કા કહે દો, શાસ્ત્રી મહારાજ, જોગી મહારાજ, કાકાજી, પપ્પાજી, ઇનકા અનુભૂતિ ભરતભાઈ કે અંદર હરેક કો હોતી રહી હૈ. હરેક કો મતલબ જિસકો ઇનકે સાથ જોડે હુએ હૈ, જુડાવ હૈ, હા, ઇનકે સંપર્ક મેં હૈ. હા, શરૂઆત મેં સંપર્ક હોતા હૈ, ફિર સંબંધ હમે વો કરાતે રહેતે હૈ પ્રસંગે જોડ 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 કરકે. વો સંબંધ સે હમને હમે જો અનુભવ હોતે હૈ વો હમે પકડે રખના હૈ. વો પકડે રખેંગે વો સંબંધ દ્રઢ હોતા જાયેગા. તો આજ તો યહી એક પ્રાર્થના કરની હૈ કે હે કાકાજી, આપને હમે જો યે સંબંધ કરા દિયા હૈ, હમે યે પહેચાન કરાઈ હૈ, હમ પહેચાન કે દો સંબંધ, સંબંધ ભી કઈ પ્રકાર કા, કયો કો ગુરુ ભાવ કા હોગા, કયો કો દોસ્તી કા હોગા, કયો કો પ્રીતમ પ્રિયા કા હોગા, પણ કિસી ભી તરહ જો સંબંધ હૈ ઉસે પકડે રખે. વો સંબંધ ક્યા, તો બડી ગહેરાઈ કી બાત કરતા હું. હરેકને બાતે કરી હોગી, ઉસમે એક સુર તો ખ્યાલ હરેક કો આ ગયા હોગા કે ભરતભાઈ
और वशी भाई, ये एक अटूट काका जी की जोड़ी है। हाँ, अगर कोई ये कहें मैं वशी भाई के ठीक सेट हुआ हूँ भरत भाई से नहीं, तो कोई कसर वशी भाई के साथ के जुड़ जाने में भी कसर रह गई। मैं दो की यहाँ यहाँ बात करता हूँ, पर ऐसे ही बापू भी हैं, भरत, अरे दिनकर अंकल भी है, सभी हैं। इसी तरह मैं कहता हूँ कि कोई अगर ये कहे कि भरत भाई ठीक है, वशी भाई के साथ तो मेरी कुट्टी है, तो जरूर समझना कि आगे जाके तेरी कुट्टी भरत भाई से भी हो जाएगी। क्यों? कि जिस हेतु सर कहीं भी हमारी कुट्टी होती है उसको तो हम पहचाने ही नहीं, भीतर में कुछ ना कुछ खटकता है। गोवर्धन काका इसे बहुत अच्छी तरह बात करते थे, हाँ कुछ भरा हुआ है अंदर, लटका हुआ है, वो खील है। इसलिए गोवर्धन काका बताते थे दीवार के ऊपर खील होगी तो कुछ ना कुछ टिंग जाएगा। इसी तरह ये तो हम जिन्हें स्वरूप मानते हैं, हाँ या मानने को अब तैयार हुए हैं, इनके बारे की बात करता हूँ। गोवर्धन काका ने तो इससे आगे मुक्तों के बारे बात करी थी, तो भले हम सेंटरों में रहते हैं, गुणातीत ज्ञान के सेंटरों में, चाहे फिर वो हम पवाई में हो, दिल्ली में हो, तारदेव में हो, ज्योत में हो, या साहेब के पास मोगरी में हो, पर अगर हमें जहाँ रहते हैं वहीं किसी की कुछ न कुछ कुछ न कुछ, शांति भाई ने भी अपनी टेप में बात करी कि हम बातें करते हैं लेकिन बड़ा मुश्किल काम बन जाता है। तो आज भरत भाई के जन्मदिन पे हम यही सीखे, सभी ने बात करी कि काका जी कहते थे मन वगरना छे भरत भाई, और ये हर एक ने अनुभव भी करा है कि वो हमेशा मानसिक भूमिका से परे ही रहते हैं। और इसीलिए देखो, हमारी अगर कोई मानसिक भूमिका होगी, मन होगा हमारा, मानसिक भूमिका अपना मन होगा, तो किसी ने कोई चीज़ कह दी होगी तो हर चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, समझाने की भी कोशिश करेंगे, नहीं नहीं आम से आम करूँ जो तू, जबकि तुम सब बोले कि भरत भाई को कोई भी कुछ कह दे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक ही जवाब आता है। इसका मतलब क्या कि इनको अपना मन तो कुछ है नहीं, तुम जो कहो करता हरता, पर महाराज का इन्होंने सर्वोपरि भाव से और समग्र रूप से माना, तो और कोई नई चीज़ लेके जानी नहीं है हमें भरत भाई से, यही एक चीज़ हम सबसे सीखनी है, और इनको वो आशीष बरसाने हैं कि सबको हमें ये सिद्ध हो जाए कि हम सब भरत भाई जैसे सरल, ये एक बड़ी सरलता है, हर चीज़ पे हाँ कर देनी, हाँ वो मूर्ख तो है नहीं, इंजीनियर है, इसलिए हर चीज़ को समझते हैं कि ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या नहीं होगा, तो ये ना रख करके मन मानसिक पिलर्स बिम हटा दे करके सिर्फ एक चैतन्य, ये छोड़ देंगे ना चैतन्य भूमिका, काका जी बोलते थे ऑटोमेटिक वर्क करती शुरू हो जाएगी। वो चैतन्य भूमिका क्या ऑटोमेटिक वर्क करेगी? भरत भाई का काम महाराज जैसे अपने आप बिना कहे करते रहते हैं, वैसे हम सब का भी वो करते रह जाएंगे। ऐसे आशीर्वाद भरत भाई आज सबको दे, यही प्रार्थना सहजान स्वामी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य गुरु जी। अभी हम हार विधि करेंगे, उसके बाद एक केक कटिंग होगा। जवाहर
जब हो हमारे माथ गुरु के दोनों पावन हाथ, मानना दो ही नहीं है कई हजारों हाथ, जब हो हमारे माथ गुरु के दोनों पावन हाथ, मानना दो सफल होगी हर सही ख्वाहिश, हम एक नहीं अनेक है और है सदा सदा, हम एक नहीं अनेक है और है सदा सदा, हम एक नहीं अनेक है और है सदा सदा, जब हो हमारे माथ गुरु के दोनों पावन हाथ, मानना दो सभी आसान, मंत्र का भजन और एकता का ही हो जा, मंत्र का भजन और एकता का ही हो जा, मंत्र का भजन और एकता का ही हो जा, जब हो हमारे माथ गुरु के दोनों पावन पावन हाथ।
हो हमारे मात गुरु के दोनों पावन हाथ, मानना दो ही नहीं है कई हजारों हाथ, जब हो हमारे मात गुरु के दोनों पावन हाथ, जब हो हमारे मात गुरु के दोनों पावन हाथ, नहीं है कहना तुम तो जीवन हो, तुम्हीं से जीना हो हमारे दिल में, तुम सदा ही रहना। काका कहूं क्या बात तुम्हारी, शब्द नहीं है कहना, तुम तो जीवन हो तुम्ही से जीना हो हमारे दिल में, तुम सदा ही रहना। धाम से आपको भेजा श्री जी ने शास्त्री जी के पास, तुम अद्भुत सेनानी जिनकी उनको भी थी तलाश, तुम अद्भुत सेनानी जिनकी उनको भी थी तलाश, आपके रूप में देखा उन्होंने, आपके रूप में देखा उन्होंने अपने दिल का सपना, तुम तो जीवन हो तुम्ही से जीना हो हमारे दिल में, तुम सदा ही योगी के मन के मित्र तुम, उनके चेहरे की शान, आप बिना रहता है अधूरा उनका सच्चा बयान, आप बिना रहता है अधूरा उनका सच्चा बयान, उनकी क्षमा में मिट गए तुम, उनकी क्षमा में मिट गए तुम, बनकर एक परवाना, तुम तो जीवन हो तुम्ही से जीना हो हमारे दिल में, तुम सदा ही दृष्टा और सृष्टा सत्संग के आपसे है पहचान, इज्जत शोहरत संपत्ति सब कुछ आपसे है सम्मान, इज्जत शोहरत संपत्ति सब कुछ आपसे है सम्मान, आपके दिल की हंसी मिले बिन, आपके दिल की हंसी मिले बिन व्यर्थ सभी है पाना, तुम तो जीवन हो
तुम्ही से जीना ओ कर सब कुछ छोड़ा आपने लाए अक्षरधाम सच्चे गुणातीत साधु बनो सब आपका है पैगाम सच्चे गुणातीत साधु बनो सब आपका है पैगाम आपके अंतर की ये तमन्ना आपके अंतर की ये तमन्ना हम सब का हो निशाना तुम तो हो तुम्हीं से जीना हो काका कहूं क्या बात तुम्हारी शब्द नहीं है कहना तुम तो जीवन हो तुम्हीं से जीना हो ओ तुम तो जीवन हो तुम्हीं से जीना हो से जीना हो हाँ जी भला साधु हरि की साथ तन की उपाधि तजे सोही साधु आजी भला साधु हरि की साध तन की उपाधि तजे सोही साधु आजी भला साधु अपमान में एकता सुख दुख में संभाव मान अपमान में एकता सुख दुख में संभाव अहीं के सुख अल्प है अहीं के सुख अल्प है नहीं स्वर्ग लुचाव तन की उपाधि तजे सोही साधु हरि की साध तन की उपाधि तजे सोही साधु हाजी भला साधु लालच लोभ हराम है ग्रहे न गाठे दाम लालच लोभ हराम है ग्रहे न गाठे दाम
नारी नागणी संतजे नारी नागणी संतजे रटे निरंतर राम तन की उपाधि तजे सोही साधु हाजी भला साधु हर की साध तन की उपाधि तजे सोही साधु हाजी भला साधु मठ ना बांधे ममता करी शठता कीनी त्याग मठ ना बांधे ममता करी शठता कीनी त्याग कबहू क्रोध ना उपजे कबहू क्रोध ना उपजे सो साचा वैराग्य तन की उपाधि तजे सो ही साधु हर की साध तन की उपाधि तजे सो ही साधु हाजी भला साधु त्यागे तीखा तम तमा रसना भोग विलास त्यागे तीखा तम तमा रसना भोग विलास मुक्तानंद सो संत के मुक्तानंद सो संत के सदा रहत हरि पास तन के उपाधि तजे सो ही साधु हाजी भला साधु हर की साध तन की उपाधि तजे सो ही साधु हाजी भला साधु हाजी भला साधु हर की साध तन की उपाधि तजे सो ही साधु हाजी भला साधु हाजी भला साधु हाजी भला साधु पमाड़े तेने संत कहिए शांति पमाड़े तेने संत कहिए शांति पमाड़े तेने संत कहिए शांति पमाड़े तेने संत कहिए ना दास थईने रहिए ना दास थईने रहिए शांति पमाड़े तेने संत कहिए
कल्प वृक्ष सेवे जारे दारिद्र उभू, कल्प वृक्ष सेवे जारे दारिद्र उभू, त्यारे तेने छाए ते शीत जइए, तेने छाए ते शीत जइए। राजा नी चाकरी मा राजानी चाकरी मा भूख न भांगी, राजानी चाकरी मा भूख न भांगी, त्यारे तेनो ते भार शीत वहिए रे, तेनो ते भार शीत वहिए। वैद्यनी गोली खाधे रोग रहे उभो, वैद्यनी गोली खाधे रोग रहे उभो, त्यारे तेनी गोली ते शीत खाइए, तेनी गोली ते शीत खाइए। करा गुरु ने जारे करा गुरु चेलाते शीत थाईये रे, तेना चेलाते शीत थाईये। नामी मारा गुरु ए बताव्यू, नाम ने नामी मारा गुरु ए बताव्यू,
भाई ते तो लख्यू मारे हैये, भाई ते तो लख्यू मारे हैये। सौमा व्यापक सौमा व्यापक सौथी न्यारा, सौमा व्यापक सौथी न्यारा। बापू एवा पुरुष ने चाहिए रे, बापू एवा पुरुष ने चाहिए। दासना दास थईने रहिए ना, दासना दास थईने रहिए। शांति पमारे तेने संत कहिए, शांति पमारे तेने संत कहिए, शांति पमारे तेने संत कहिए, शांति पमारे तेने संत कहिए।